हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी सीए फाइनल। आज का अपना जो लेक्चर रहने वाला है ये एक स्ट्रेटजी का रहने वाला है, एक तरीके से प्रेजेंटेशन टिप्स का पूरा लेक्चर रहने वाला है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा, वो भी सीए एग्जाम्स के लिए। प्रेजेंटेशन टिप्स थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की, क्योंकि आपका अगर एसटीएमपी एएमए का सब्जेक्ट देखा जाए तो इनमें थ्योरी भी आती है प्रैक्टिकल। तो मैं डिटेल में आपको प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा, थ्योरी की भी और प्रैक्टिकल की भी, कि आपको किस तरह से आपके आंसर को प्रेजेंट करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। तो डिटेल में अपन प्रेजेंटेशन टिप्स देखेंगे आज सी एग्जाम्स के लिए। आपको नवंबर 2020 या आगे वाले भी देख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि नवंबर 2020 वाले हों। तो किस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। राधे राधे कृष्णा जी, नमस्ते धीरज। सबसे पहले मैं आपको एक बार अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको सीए फाउंडेशन और सीए इंटर और सीए फाइनल की सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस देखनी है तो आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आपको वहाँ का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वहाँ स्पेशल क्लास भी चलती है सीए फाइनल के लिए, नवंबर 20 के लिए, वो भी आप देख सकते हो, फ्री चलती है बिल्कुल। प्लस का सब्सक्रिप्शन में सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के लिए काफ़ी सारे फायदे हैं। यहाँ पे लगभग 1000+ कोर्स अवेलेबल है, मतलब काफ़ी सारे टीचर्स के कोर्स अवेलेबल हैं और हर सब्जेक्ट के 10+ टीचर्स हैं यहाँ पे फाउंडेशन और इंटर के। और उसमें आपको फुल कोर्स मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्स मिलेगा, रिवीजन बैच मिलेगा, सब तरह के कोर्स मिलेंगे। और मार्केट में जो एक सब्जेक्ट की रेट है उस एक सब्जेक्ट की रेट में यहाँ सभी सब्जेक्ट्स की क्लास आपको मिलेंगी। सीएस का कोर्स भी यहाँ अवेलेबल है और सीए फाइनल के भी कुछ कोर्स यहाँ अवेलेबल है, और मई 2021 के लिए फुल बैच भी यहाँ अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड अतुल सीए यूज़ करते हो तो आपको 10% का ऑफ हो जाएगा। यहाँ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने, 24 महीने का प्लान ले सकते हो। अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच लेना है तो एक महीना 3 महीने वाला प्लान ले सकते हो, 1 मंथ 3 मंथ वाला। और अगर आपको फुल कोर्स लेना है, और फाउंडेशन इंटर का फायदा ये है कि फाउंडेशन और इंटर का एक ही कोर्स होता है, यहाँ पे फाउंडेशन और इंटर का एक तरीके का एक कोर्स मिलता है, तो आप वो 2 साल का प्लान ले सकते हो। उसमें फाउंडेशन और इंटर की दोनों की क्लास मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि प्राइस ज़्यादा होगी, काफ़ी कम प्राइस पर आपको वो पड़ेगा। और साथ में मेरा कूपन कोड यूज़ करने पर 10% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। फाउंडेशन इंटर वालों के लिए फ़ायदा और है, साथ में आप रिविजन वीडियोज़ वगैरह के लिए अनअकेडमी सीए फाइनल के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आते हैं आज अपने आज वाले लेक्चर पे। गुड इवनिंग स्नेहा, राधे राधे आदित्य जी, राधे राधे अर्चिता जी, राधे राधे रघुनंदन जी, राधे राधे निपुण जी। आईडीटी की एग्जेम्पशन वाली क्लास मैंने डाल रखी है। अनअकैडमी का जो ऐप है ना, स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है, ऐसा नहीं है चार्जेबल है, फ्री क्लास है, वहाँ देख लो आप। अनअकैडमी का स्पेशल क्लास का जो ऐप है, अनअकैडमी ऐप है, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ एक स्पेशल क्लास में जाना, वहाँ मेरा नाम सर्च करना, एग्जेम्पशन वाला सर्च करना टॉपिक, आपको क्लास मिल जाएगी। राधे राधे सी जी, देखो एग्जाम का कंफर्म नहीं है लेकिन जितना लग रहा है एग्जाम होंगे, बाकी मैं कंफर्म कुछ नहीं कह सकता, बाकी जितना लग रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे, क्योंकि 1 नवंबर का डेट दे रखी है अभी एडमिट कार्ड वगैरह की। अब अपन बात करते हैं प्रेजेंटेशन टिप्स की। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा प्रेजेंटेशन टिप्स, तो मैं एक बार फाइल ओपन कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आपको थियोरी की भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल की भी बताऊंगा, और प्रैक्टिकल की भी बताऊंगा, तो दोनों की डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटेशन टिप्स थियोरी की भी और प्रैक्टिकल की भी, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है वो सब अपन देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह भी ले लूँगा। पहले डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको जो भी डाउट्स हो आप पूछ लेना, सारे डाउट्स मैं ले लूँगा आपके। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों की प्रेजेंटेशन टिप्स की अपन बात करेंगे, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, वो सब मैं बता दूंगा क्या थियोरी वगैरह है। आप मेरे नोट्स फॉलो कर लो, उसमें सारी थियोरी कवर है, और रिविजन वीडियोज़ देख लो। अब स्टार्ट करते हैं अपन प्रेजेंटेशन टिप्स डिटेल में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सम्स, प्रैक्टिकल सम्स की बात करता हूँ, थियोरी की बाद में बात करेंगे। प्रैक्टिकल सम्स में प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होती है वो अपन देखते हैं। प्रेजेंटेशन टिप्स क्या होती है, जैसे मान लो आप एक अकाउंट बनाते हो, मिस्टर रोहित अकाउंट, मैं एक सिंपल सी बात ले रहा हूँ, मिस्टर रोहित अकाउंट, मिस्टर रोहित अकाउंट बनाते हो, डेबिट लिखी आपने,
डेट लिखी, डेबिट लिखा, रुपीस लिखा, फिर डेट लिखी, क्रेडिट लिखा, रुपीस लिखा, ऐसा करते हो आप कोई भी अकाउंट में। एक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अकाउंट जैसे सीए फाइनल में तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो एक अकाउंट बनाते हो। अब आपने अकाउंट में डाटा डाल दिया, पूरा सारा डाटा डाल दिया। अब आपने क्या किया, अकाउंट में टेबल बना दी पूरी अकाउंट की, स्केल से लाइन खींची, बढ़िया लाइन खींची और टेबल बना दी। देखो टेबल बनाने में कितना टाइम लगा, ये टेबल आपने बना दी। ऐसे करते हो आप, ऐसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि अगर आप ये लाइन खींचोगे, लाइन ड्रॉ करोगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। कुछ लोग सोचते हैं अच्छी राइटिंग से, प्रैक्टिकल सम्स या किसी में भी क्या सोचते हैं वो, अच्छी राइटिंग से या टेबल वगैरह बनाने से मार्क्स मिलते हैं। क्या आप सोचते हैं, बेटर हैंड राइटिंग या टेबल चार्ट्स, ये सोचते हैं वो, इनसे मार्क्स मिल जाते हैं, बेटर हैंड राइटिंग, टेबल चार्ट्स, इन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल सम्स में तो इनसे मार्क्स मिलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं तो कुछ लोग ये सोचते हैं बेटर हैंड राइटिंग टेबल चार्ट से मार्क्स मिलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कितनी भी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो किसी की अच्छी हैंड राइटिंग है तो उसको खुश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे उससे, या किसी की बेकार हैंड राइटिंग है तो उसको दुखी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उससे उसके मार्क्स कट जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी हैंड राइटिंग से मार्क्स मिलते हैं तो वो मेरी कॉपी देख सकता है, और भी काफ़ी सारे रैंकर्स की सर्टिफाइड कॉपी आजकल ऑनलाइन मिल जाएंगी आपको, कहीं पे भी मिल जाएंगे, गूगल कर लेना, काफ़ी सारी रैंकर्स की कॉपी मिल जाएंगी, टेलीग्राम वगैरह में काफ़ी जगह मिल जाएंगी, उनकी कॉपी देख सकता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अच्छी राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं या नहीं। जैसे मेरी राइटिंग एकदम बेकार थी, एकदम ही बेकार राइटिंग है, और अजय की राइटिंग एकदम अच्छी है, अजय की एकदम अच्छी राइटिंग और मेरी एकदम बेकार राइटिंग है, तो ऐसा नहीं हुआ कि अजय को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए अच्छी राइटिंग लिखने से, अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, या मैंने एकदम बेकार राइटिंग लिखी तो मुझे मेरे मार्क्स कट गए, ऐसा कभी नहीं होता। तो बेटर हैंड राइटिंग के कभी भी मार्क्स नहीं मिलते, बेटर हैंड राइटिंग से कभी भी मार्क्स नहीं मिलते, एक बात ये याद रखना। तो किसी की अच्छी राइटिंग है तो उसको खुश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और किसी की बेकार राइटिंग है तो उसको दुखी होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ राइटिंग का कोई खेल नहीं होता। हाँ, बस इतनी सी होनी चाहिए कि उसको दिख जाए, थोड़ा समझ में आ जाए, आप एकदम ही हवा में लिखते हो वो बात अलग है, थोड़ा बहुत दिख जाए तो काम चल जाएगा। अब जैसे मेरी दिख रही है, वैसे बेकार राइटिंग है मेरी, लेकिन आपको समझ में आ रही है क्या लिख रहा हूँ मैं, तो इस लेवल की राइटिंग आप लिख सकते हो, थोड़ी समझ में आ जाए बस। और इससे भी बेकार लिखते हैं लोग तो, लेकिन उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं अगर उसको वर्ड दिख जाते हैं तो। और कुछ लोग सोचते हैं टेबल्स चार्ट्स वगैरह बनाने से, टेबल्स चार्ट्स वगैरह बनाने से मार्क्स मिलते हैं, या स्केल से लाइन खींचने से मार्क्स मिलते हैं, तो ये भी एक भ्रम है उनका, ये भ्रम वो दूर कर लें कि ऐसी चीज़ों से कोई मार्क्स नहीं मिलते, ऐसी चीज़ों से कोई मार्क्स नहीं मिलते, टेबल चार्ट से और बेटर हैंड राइटिंग से बिल्कुल मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो दो चीज़ें तो आपने दिमाग से निकाल दें कि आप वहाँ जाके स्केल ले जाते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्केल ले जाते हैं, मैंने मेरे एक भी एग्जाम में मैं स्केल लेके नहीं गया, एक भी एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, एक भी एग्जाम में, आठ एग्जाम हुए थे, आठ के आठ में से एक भी एग्जाम में मैं स्केल लेके नहीं गया, एक भी एग्जाम में स्केल वगैरह कुछ नहीं लेके गया मैं, खाली पेन ले जाता था, कैलकुलेटर ले जाता था, दो कैलकुलेटर और खाली पेन ले जाता था, और कुछ नहीं लेके जाता था कि स्केल वगैरह वगैरह बस। पहले तब वो उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या बोलते हैं, स्टेपलर वगैरह ले जाने का, तो स्टेपलर ले जाते थे बस, स्केल वगैरह मैं कोई भी एग्जाम में नहीं लेके गया, मैं बता रहा हूँ आपको। और लगभग 90% स्टूडेंट्स या 99% स्टूडेंट्स स्केल लेके आते हैं लाइन वगैरह खींचने के लिए, वहाँ पर साइड में लाइन खींचते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लाइन खींचते हैं वो, तो ये लिखते हैं मिस्टर रोहित, इसको भी लाइन से लिखते हैं। अगर आप ये लाइन खींचोगे ना तो कन्फर्म है आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट होंगी पूरे पेपर में, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पूरे पेपर में कितने जितने क्वेश्चन आते हैं, 10-15 क्वेश्चन जितने भी आते हैं पार्ट्स वगैरह मिला के, तो आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट होंगी। अब अगर आप ये नहीं करोगे, टेबल चार्ट्स नहीं करोगे, तो आपकी क्या हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट्स सेव हो जाएंगे अगर आप नहीं करोगे, इसको नहीं करोगे तो। अब अगर आप टेबल चार्ट्स नहीं बनाओगे तो 15 से 20 मिनट्स आपकी सेव हो जाएंगी, 15 से 20 मिनट अगर आपकी सेव हुई तो बताओ क्या कर सकते हो आप 15 से 20 मिनट में, कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आराम से काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो 15 से 20 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आप आराम से काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो 15 से 20 मिनट में, कम से कम बता रहा हूँ, इसमें भी आप 8 से 10 नंबर आराम से और कर सकते हो, 8 से 10 नंबर का पेपर और कर सकते हो आराम से। बाकी मैं बताऊंगा स्पीड कैसे बढ़ानी है आपको, 8 से 10 मार्क्स का पेपर आप और अटैम्प्ट कर सकते हो। आप बोलते हो ना पेपर 70 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ, या 60 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ, या 80 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ, वो क्यों अटैम्प्ट होता है, क्योंकि आप ये ड्राइंग वगैरह करते हो वहाँ पे, ये ड्राइंग का एग्जाम नहीं है कि आप ड्राइंग वगैरह करो, टेबल बनाओ, चार्ट्स बनाओ, ये कंटेंट का एग्जाम है। तो आपका ये 80 मार्क्स, 70 मार्क्स या 60 मार्क्स, ये पेपर अटैम्प्ट होना आपका
बंद हो जाएगा अगर आप ये काम करना बंद कर दोगे, टेबल चार्ट्स और बेटर हैंड राइटिंग दोनों काम बंद कर दोगे तो आराम से आपके 25 मिनट बच जाएंगे। 25 मिनट, ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने सीए इंटर, जब मैं सीए इंटर में हुआ था, पहले सीपीटी होती थी। सीपीटी में तो देखो क्या होता है, एमसीक्यू बेस पेपर आते थे पहले सीपीटी में, 200 के 200 नंबर के। सीए इंटर में मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ाई, तो मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था, फर्स्ट मॉक टेस्ट मेरा, फर्स्ट मॉक टेस्ट मेरा जो था ना सीए इंटर का, उसमें मैंने यही किया था। टेबल्स बनाई थी, टेबल्स बनाई, चार्ट्स बनाए मैंने सीए इंटर के फर्स्ट मॉक टेस्ट में। मैंने टेबल्स चार्ट सब बनाए, पेपर सिंपल सा था, लेकिन मेरा अटैम्प्ट हुआ था वो पेपर 70 मार्क्स का, ओनली 70 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ। 70 का भी पूरा नहीं हुआ था, 68 मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ था, 70 मार्क्स का ओनली अटैम्प्ट हो पाया था। तो मैं सोचा इतने बड़े बड़े पेपर आते हैं तो अटैम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे। फिर पता चला कि ये टेबल वगैरह बनाना, चार्ट्स वगैरह बनाना या अच्छी राइटिंग लिखना सब बकवास चीज़ें हैं। तो फिर पता चला उसके बाद मेरे पेपर अटैम्प्ट होने लगे। ऐसे ही सीए फाइनल में भी स्पीड, सीए फाइनल तो पता चल गया था कि सीए इंटर में क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको सीए फाइनल में करनी है प्रेजेंटेशन में। तो ऐसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है। जैसे ही मैंने टेबल वगैरह चार्ट्स वगैरह बनाने बंद किए, मेरे अपने आप ही 15 से 20 नंबर का पेपर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होने लग गया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होने लग गया। और भी बताऊंगा सीक्रेट्स कि कैसे कैसे आपको करने पड़ते हैं, अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपको बंद करनी है, सबसे पहले बेटर हैंड राइटिंग और टेबल चार्ट्स, ये दोनों चीज़ें आपको बंद करनी है। देखो आईसीआई जानबूझ के किसी को फेल नहीं करता। अगर आप कोई सोचता है कि स्केलिंग होती है तो वो गलत बात है। स्केलिंग कुछ नहीं होती, मैं सच बता रहा हूँ, स्केलिंग वगैरह कुछ नहीं होती, स्केलिंग जब कुछ नहीं होती। हाँ कभी कभी आप देखते हो ना कोई किसी कॉपी में 40 के 20 मार्क्स कर देते हैं, वो सैम्पलिंग होती है, वो स्केलिंग नहीं होती। सैम्पलिंग जैसे क्या होता है, सब कॉपी चेक होती है तो कुछ कॉपी सैम्पलिंग में जाती है। अब किसी टीचर ने एकदम हवा में नंबर दे दिए या किसी ने एकदम टाइट कॉपी चेक कर दी, तो टाइट कॉपी चेक कर दी तो उसमें बोनस मार्किंग हो जाती है, और किसी ने एकदम हवा में नंबर दे दी तो सबके मार्क्स कम हो जाते हैं, उसमें वापस कॉपी मंगवाई जाती है, ये होता है। तो वो सैम्पलिंग होती है, वो स्केलिंग नहीं होती। देखो डीटी रिटेन नहीं रहती, डीटी के लिए क्वेश्चन बैंक कर लो मेरा, उससे आपको आदत पड़ जाएगी। बाकी काफ़ी सारे वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस अनअकैडमी पे भी हैं, यहाँ एक साहिल सर पढ़ाते हैं, उनकी वीडियोस देख लो, और भी हैं काफ़ी सारे वीडियोस, उनको देख के आप कवर कर सकते हो डीटी। और एबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करो, पहले ए कैटेगरी कवर करो, फिर बी कैटेगरी कवर करो, और फिर कुछ चैप्टर सी कैटेगरी के आप छोड़ भी सकते हो। अब अपन करते हैं आगे। सबसे पहले मैंने बता दिया टेबल चार्ट और बेटर हैंड राइटिंग बिल्कुल काम की नहीं होती। इसको अगर आपको प्रूव करना है तो मेरी कॉपीज़ देख लेना, सर्टिफाइड कॉपी। अभी तो देखो इस कंप्यूटर में मेरे पास कॉपी नहीं है, मैं आपको दिखा देता। वैसे मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं, सभी कॉपी के वीडियो बना रखे हैं, ऑडिट का, एफआर का, एसएसएम सबका बना रखा है, लगभग एक दो कॉपीज़ को छोड़ के सब लगभग सबका बना रखा है। बाकी का भी मैं बना दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को हैंड राइटिंग कैसी थी। मेरी भी देख लेना, जैक की भी देख लेना, सबको पता चल जाएगा। और भी अगर आपको फिर करना है चेक तो गूगल पे करना, काफ़ी सारे रैंकर्स की कॉपी मिलेंगी आजकल, आजकल काफ़ी सारे रैंकर्स की कॉपी होती हैं, उनको देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, सब काफ़ियों की एकदम बेकार भी होती है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक चीज़ तो आपको ये करनी है, बेटर हैंड राइटिंग और टेबल चार्ट्स बनाना बिल्कुल बंद करना है। मतलब बेटर हैंड राइटिंग ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती हैंड राइटिंग खराब करो, लेकिन अगर आपसे हैंड राइटिंग बेकार है आपकी, तो उसको ठीक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सोचोगे ठीक करें, अब ठीक नहीं हो सकती वो हैंड राइटिंग, कब ठीक हो सकती है, जब बचपन होता है ना, बचपन स्कूल के टाइम में, स्कूल के टाइम में आप उसको सुधार सकते हो, बाद में सुधारने का कोई स्कोप नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो बचपन में ही ठीक हो सकती हैं, बाद में ठीक नहीं हो सकती। तो कुछ लोग सोचते हैं कि अब हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, तो 99.99% वो पॉसिबल नहीं है वो। कोई हाँ कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, कोई एक्सेप्शन हो तो बात अलग है। कुछ चीज़ें आप बचपन में ठीक कर सकते हो, अब ठीक करने की उनकी चीज़ें नहीं होती। तो हैंड राइटिंग को कुछ सुधारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ठीक नहीं होगी आपकी, और ठीक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है सीए के कोर्स में। हाँ मैं आप बोलते सीएस में राइटिंग मैटर करती है, लेकिन सीए के कोर्स में राइटिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि ये कंटेंट देखते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। क्योंकि राइटिंग से कोई ऐसा नहीं कि किसी की अच्छी राइटिंग है तो उसको अपन महान बना दे, तो ये बात इनकी एकदम अच्छी बात है कि राइटिंग वो देखते नहीं है, ये फायदा है यहाँ पे। तो किसी को राइटिंग से नंबर नहीं मिलते, कि राइटिंग से जैसे स्कूल में मिल जाते थे ना 5 नंबर एक्स्ट्रा 10 नंबर एक्स्ट्रा, यहाँ नहीं होगा। किसी की कितनी भी अच्छी राइटिंग हो तो उसको खुश होने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये बात हो गई। अब इसको, इस क्वेश्चन को अगर आप कैसे करते, मिस्टर रोहित लिखते, अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका करने का इसको बस ऐसा कर देते, कुछ नहीं किया आपने, बस ये कर दिया, एक भी लाइन नहीं खींची, पूरे मार्क्स मिलते आपको, पूरे मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे के पूरे मार्क्स मिलते। दूसरा, और भी कम करना है आपको, और भी कम लिखना है, तो आप क्या करो, ये वर्ड्स भी हटा दो, ये रुपीस वाला जरूर दिखा देना, बाकी सारे हटा दो, रुपीस वाला जरूर दिखा देना। क्योंकि रुपीस वाले में क्या होता है मैं बताऊँ, कभी कभी आपको लिखना पड़ता है रुपीस इन थाउजेंड्स, कभी कभी लिखना पड़ता है रुपीस इन लैक्स। आपने भी देखे होंगे कभी क्वेश्चन का डाटा लैक्स में दे रखा है तो आपको रुपीस इन लैक्स में करना पड़ता है, थाउजेंड से दे रखा है तो रुपीस इन थाउजेंड्स में करना पड़ता है। आपको भी पता होगा ये चीज़, मैं भी बताऊंगा, वो चीज़ भी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो ये रुपीस वाला जरूर दिखा देना, ये रुपीस वाला है ना, ये जरूर दिखा देना लिख के ऊपर, बाकी
डेबिट क्रेडिट ये लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपको, वो सब समझते हैं, उनसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने डेबिट लिख दिया, यहाँ क्रेडिट लिख दिया, तो एक एक नंबर दे देंगे आपको, यहाँ डेट लिख दिया, यहाँ डेट लिख दिया, तो एक एक नंबर आपको दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लिखोगे नहीं भी तो भी चलेगा। मेरी सी ए इंटर की कॉपी पड़ी हुई है, उसमें देखना साफ पता चल जाएगा आपको, सी ए फाइनल की तो वीडियोस पड़े हुए हैं और सी ए इंटर की कॉपी, और क्या देखता हूँ मैं कि सी ए फाइनल की कॉपी इसमें एक बार डाल दूंगा टेलीग्राम पे, तो वो देख लेना चाहिए आप। बाकी सी ए इंटर की सारी कॉपी डाल रखी है और सी ए फाइनल के सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, वो देख लेना, उसे पता चल जाएगा आपको। ये ज़रूर दिखाना, ये दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन में रुपीज़ इन लैक्स थाउजेंड्स वाली दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आ जाती है, देखो आपने आंसर किया रुपीज़ इन थाउजेंड्स में, लेकिन आई सी आई ने सजेस्टेड में रुपीज़ में ले रखा है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कम नहीं कटेंगे। आपने यहाँ साफ लिख दिया रुपीज़ इन थाउजेंड तो ही नहीं कटेंगे, लेकिन मान लो आपने ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा तो दिक्कत आ सकती है उस केस में। इस कारण ये लिखना तो मत भूलना, जो भी ये दे रखा है रुपीज़ इन थाउजेंड, रुपीज़ इन लैक्स, या खाली रुपीज़ भी दे रखा है तो लिख देना, बस खाली रुपीज़ लिख देना, तो ये लिखना ज़रूरी है। बाकी कुछ भी ऊपर लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है कि हेडिंग के आप लिखो डेट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर्स, ये कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिखते ना लोग पार्टिकुलर्स, वो लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, वो लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, उसके भी कोई मार्क्स नहीं होते और रुपीज़ के मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये कन्फ्यूजन दूर करता है एग्जामिनर का। अगर आपने मान लो थाउजेंड्स में कर दिया, आईसीआई ने रुपीज़ में आंसर लिया, तो आप 10,000 को क्या दिखाओगे, आप 10,000 को दिखाओगे 10, और आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में क्या आएगा 10,000, तो एग्जामिनर कन्फ्यूज हो जाएगा, लेकिन ऊपर देख लेगा तुरंत रुपीज़ इन थाउजेंड्स, तो गलत नहीं करेगा वो। इतना दिमाग उसमें भी है, इतना दिमाग तो उसमें भी है, ऐसा मानना, ऐसा मत मानना कि बिल्कुल ही ऐसा है, इतना दिमाग उसमें। यूनिवर्सिटी के टीचर होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, तो इतना दिमाग तो उनमें, वो देख लेंगे, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसा हो चुका काफ़ी बार, क्योंकि आप किसी और फिगर में कर देते हैं, वो किसी और फिगर में करते हैं, तो ये बात आप याद रखना। तो ये आपको ज़रूर दिखाना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे आते हैं अपन, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आपको बताया बेटर हैंड राइटिंग, टेबल चार्ट्स, प्रैक्टिकल सम्स में ज़रूरी हैं, कोस्टिंग वगैरह में। अब आगे और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, कोस्टिंग के रिगार्डिंग स्पेशल, एक कोस्टिंग के रिगार्डिंग स्पेशल चीज़ बताऊंगा, तो चलो वो मैं बातें बताऊंगा, पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, फिर कोस्टिंग के रिगार्डिंग एक स्पेशल चीज़ है, एस सी एम पी और ए एम ए की रिगार्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक डाउट आता है राउंडिंग ऑफ का, काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं राउंडिंग ऑफ कितना करें, कि राउंडिंग ऑफ से भी मार्क्स कटते हैं क्या। आप सभी को भी डाउट होगा राउंडिंग ऑफ का क्या करें, राउंडिंग ऑफ का क्या करें, तो राउंडिंग ऑफ का क्या करें, उसके डाउट के लिए एक बार देख लेते हैं अपन, राउंडिंग ऑफ का क्या करें। तो देखो जो टोटल अमाउंट्स होती हैं, टोटल अमाउंट्स ये हमेशा अपर राउंड ऑफ होती हैं। अपर मतलब अपन, नहीं ये फॉर्मूला होता है ना जो वाला, बताऊंगा आपको क्या फॉर्मूला होता है, 0.5 वाला अपर, बिलो 0.5 लोअर, ये हमेशा किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सभी में, एस सी एम पी ऐसा नहीं बोल रहा, एस सी एम पी में टोटल अमाउंट वाली फिगर हमेशा ये करनी है। अगर मान लो एक दो क्वेश्चन में उल्टे सुलटा भी कर रखा है तो आपको तो यही फॉलो करनी है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन ये फॉलो करनी है आपको, ये सेट फॉर्मेट है। अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट किसी भी चीज़ की जो टोटल अमाउंट होती है, राउंडिंग ऑफ करना, पॉइंट्स में मत दिखाना, टोटल अमाउंट रुपीज़ वाली। अगर आप बोलो करोड़्स वाली, करोड़्स वाली पॉइंट में दिखाएंगे, ये रुपीस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, रुपीस वाली। देखो जेल पेन मत यूज़ करना, दिक्कत आ जाएगी, जेल पेन में काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है, जो आप लिखते हो पीछे पेज पे दिखने लग जाता है, पेज पे क्या होता है, पीछे वाले पेज पे देख रहा हूँ उनकी, इसकी परछाई दिखने लग जाती है बुरी तरह, तो आप तो वॉल पेन यूज़ करना, जेल पेन यूज़ मत करना। आप देखते रहो, कुछ आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि कैसे फेल होते हैं सीए में, तो ये कुछ चीज़ें देख लो, आपके भी काम आएंगे आगे, फाउंडेशन में भी काम आएंगे, इंटर में भी काम आएंगे, फाइनल में भी काम आएंगे। थैंक यू अश्विन। देखो पेन तो कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया, लेकिन वॉल पेन ही यूज़ करना बेटर रहता है, जेल पेन में दिक्कत आ सकती है आपके। तो टोटल अमाउंट रुपीस वाली है ना, 0.5 अपर, बिलो 0.5 लोअर, ये। अब टोटल अमाउंट है, अमाउंट्स, टोटल अमाउंट्स जो भी दे रखी हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, चाहे डी टी आई डी टी किसी भी बात करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा खाली एस सी एम पी की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, राउंडिंग ऑफ में। टोटल अमाउंट आपको दे रखी है थाउजेंड्स वाली, या लैक्स वाली, या करोड़्स वाली, ये सारी मैंने रिसर्च कर रखी है एग्जाम से पहले, जब मेरे एग्जाम हुए थे उससे पहले मैंने सारी रिसर्च करी थी इनकी, कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, ताकि कुछ भी गलती ना हो, इनके आंसर से मैच हो जाए आंसर, क्योंकि
फिर नंबर नहीं देंगे अगर आंसर मैच नहीं होगा तो। अपन को मैच करवाना है तो कैसे मैच करें कि एकदम ही मैच हो जाए, कि एक दो नंबर भी ना कटे अपने, फालतू में एक दो नंबर भी ना कटे। इस कारण मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी रिसर्च करने पे पता चलती है, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही पता चल जाएंगी, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है इनके क्वेश्चंस देख देख के, पीएम देख के, एसएम देख के। तो थाउजेंड्स लैक्स और करोड़्स वाली है ये, हमेशा पॉइंट्स में दी जाती है, पॉइंट्स में। थाउजेंड्स वाली नहीं, लैक्स और करोड़्स वाली, थाउजेंड्स वाली तो ऊपर ही आ जाएगी, थाउजेंड्स वाली तो ऊपर ही आ जाएगी। इन थाउजेंड्स में करते हो ना आप, इन थाउजेंड्स, वो ऊपर ही आ जाएगी। लेकिन लैक्स और करोड्स वाली है या मिलियन वाली है, मिलियंस वाली भी आती है, मिलियंस बिलियंस वाली भी आती है एस एफ एम वगैरह में, तो उनमें हमेशा अपन टू डेसिमल में देते हैं, राउंड ऑफ नहीं करते उसमें, टू डेसिमल में रखते हैं पॉइंट्स, पॉइंट्स इन टू डेसिमल, पॉइंट्स इसमें रखते हैं इन टू डेसिमल। नोट कर लेना, आपके काम आएंगी चीज़ें, क्योंकि आपके राउंडिंग ऑफ के काफ़ी डाउट आते हैं, मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज पड़े रहते हैं राउंडिंग ऑफ के, तो उसमें आपकी चीज़ें काम आ जाएंगी। पॉइंट्स किसमें देते हैं अपन, इन टू डेसिमल, टू डेसिमल में पॉइंट देते हैं। अगर एक दो क्वेश्चन उल्टा सुलटा कर रखा है उसको चेंज कर लो, ऐसा नहीं उसको याद करना है आपको कि उसमें एक दो क्वेश्चन में इन्होंने उल्टा सुलटा कर रखा है, एक दो में इन्होंने थ्री डेसिमल ले लिया, फोर ले लिया, आप भूल जाओ उनको, आपको तो यही करना है बस, क्योंकि 99% में यही फॉलो होता है। एक दो क्वेश्चन में उल्टा सुलटा हो सकता है, उसको आप ठीक कर लो, आपके मार्क्स मिलेंगे पूरे, ऐसा मत सोचना कि मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है, तो बस आप तो ये ध्यान रखो। ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है ज़्यादातर केस में, और आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। पॉइंट्स इन टू डेसिमल, अगर अमाउंट किस में है, मिलियन लैक्स और करोड्स में, मिलियंस लैक्स और करोड्स में है तो टू डेसिमल में देना, मिलियंस लैक्स और करोड्स में है तो टू डेसिमल में देना। ये तो हो गई अमाउंट की बात, खाली अमाउंट नहीं होती, कॉस्ट में तो वेट होता है, क्वांटिटी होती है, किलो क्वांटिटी वगैरह होती है ना, रॉ मटेरियल वगैरह की क्वांटिटी होती है, इसके अलावा यूनिट्स की क्वांटिटी, यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स भी होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। तो इनमें क्या करोगे, तो देखो मैं बताऊं आपको, क्वांटिटी हर्ट्स और यूनिट्स, क्वांटिटी हर्ट्स और यूनिट्स, क्वांटिटी और हर्ट्स और यूनिट्स, इनमें क्या करोगे, इनमें क्या करना है, क्वांटिटी हर्ट्स और यूनिट्स में आपको देखो, इनमें आप चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हो, पॉइंट्स इन टू डेसिमल, अगर आपको दिक्कत आए तो पॉइंट्स इन टू डेसिमल कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आप तो सभी को क्या कर दो, क्वांटिटी को भी, हर्ट्स को भी, यूनिट्स को भी, अगर दे रखा है पॉइंट्स में आ रहे हैं ये चीज़ें, तो टू डेसिमल में निकाल दो। जैसे कॉस्टिंग में किया आपने, क्वांटिटी निकाली, प्रोडक्शन मिक्स निकाला, 100.22 यूनिट आई, एक आया 110.52 यूनिट आई, एक आया 100.22 यूनिट्स, एक आया 110.55 यूनिट्स, एक आया 250.12 यूनिट्स, ये आए, तो इनको पॉइंट्स में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे पॉइंट्स में छोड़ दो, अगर आ गए तो पॉइंट्स में, पॉइंट्स में छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरा राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। राउंड ऑफ 0.5 अपर और बिलो 0.5 लोअर, राउंड ऑफ करना है तो कैसे करना है, 0.5 है तो उसको अपर राउंड ऑफ कर दो, और बिलो 0.5 है तो लोअर राउंड ऑफ, जो नॉर्मल तरीका है राउंड ऑफ का, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो पॉइंट्स के अलावा। अब लेकिन एक चीज़ में, लेकिन एक चीज़ में, एक चीज़ किसमें, एक्सेप्ट प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ रखी है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, लोअर राउंड ऑफ, लोअर राउंड ऑफ हमेशा प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में। क्यों लोअर राउंड ऑफ बताते हैं, मैं बताता हूँ, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या होता है, अपने पास रिसोर्स की शॉर्टेज होती है। अब आपका आंसर आया, क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको उसका एक रीजन। प्रोडक्ट ए बी और सी बनाते हो आप, ए की आपने यूनिट बनाई 110.11, बी की बनाई आपने 152.60 यूनिट्स, और सी की बनाई आपने 210.65 यूनिट्स, आपने ये किया, आपने ये किया। अब क्या होता है, इसमें रिसोर्स की वैसे ही शॉर्टेज होती है, ये अपन क्या है, ये जो अपना आंसर आया, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कितनी बना सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कितनी बना सकते हो। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए, वैसे तो SCMP में आएगा, कोस्टिंग में आएगा, AMA में आएगा, कभी कभी मान लो SFM में भी आ सकता है ओल्ड कोर्स वालों के लिए, बाकी आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कितने बना सकते हो। कोस्टिंग में जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट बना सकते हो, प्रोडक्ट मिक्स बना सकते हो, जिसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। अब ऐसे केस में ये आ पाया, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट बना सकते हो, ऐसे केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो 110 कर दिया, इसको आप 153 नहीं कर सकते,
या इसको आप 211 नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा है, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा है। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या आता है, ये यूनिट बनाते हैं ना अपन, ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो ये करना गलत हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करोगे आप, ऐसे केस में ये नहीं करोगे, इसको लोअर राउंड ऑफ करोगे, 152 करोगे, और इसको 210 करोगे, ये करोगे, ये ठीक रहेगा। किसमें? ओनली प्रोडक्ट मिक्स। अगर कोई क्वेश्चन क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी यूनिट बना सकते हो, ऐसा आता है, तो अब वो प्रोडक्ट मिक्स का ही होता है वैसे मेनली, और किसी चीज़ का हो तो वो भी हो सकता है, लेकिन मेनली प्रोडक्ट मिक्स का ही होता है, ये याद रखना बस। इसमें लोअर राउंड ऑफ कर देना, अपर राउंड ऑफ नहीं करना इसमें, और अगर चाहो तो पॉइंट्स में भी कर सकते हो, चाहो तो या तो राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ में क्या है आपका आंसर ठीक रहेगा, अब पॉइंट्स में निकालोगे तो दिक्कत आती रहती है, पॉइंट्स में पूरी कैलकुलेशन पॉइंट्स में होती है, आगे वाली कोई कैलकुलेशन करनी है, आपको प्रॉफिट निकालना है, पॉइंट्स में निकलेगा, दिक्कत आएगी आपके, पॉइंट वाला ठीक माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राउंड ऑफ करना बेटर रहता है, इस कारण राउंड ऑफ करो, लेकिन लोअर राउंड ऑफ करना किसमें? प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में। डीटी का स्टार्ट होने वाला, मैंने बताया था आपको बैच ग्राफिकल मेथड के लिए, हाँ ग्राफ ले सकते हो, और शायद आजकल कॉपी में भी एक पेज में ग्राफ आता है, एक पेज में शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, पहले तो आता था, आजकल आता है या नहीं आता। हाँ प्रेजेंट वैल्यू का भी बताऊंगा मैं आपको, प्रेजेंट वैल्यू का भी बताऊंगा, अभी आ जाओ, अभी मैंने दो चीज़ों का बता दिया आपको, दो चीज़ों का आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल से समझा भी दिया आपको, अब आते हैं अपन बाकी चीज़ों में। अगला है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का मैं और बता देता हूँ, देखो एग्जाम्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि कब होंगे कब नहीं होंगे, बाकी अगर 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आ जाता तो एग्जाम होंगे, आईसीआई अगर बोल दे साफ ही कि आपको 2 डिजिट में राउंड पॉइंट्स में निकालना है, या आपको राउंड ऑफ करना है अपर राउंड ऑफ, तो बात अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे, क्वेश्चन ही बोलते, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, काफ़ी कम क्वेश्चन होते हैं जिसमें आईसीआई साहब बोलता है कि आपको कैसे राउंड ऑफ करना है, आईसीआई बताता नहीं है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब प्रेजेंट वैल्यू, देखो प्रेजेंट वैल्यू सब जगह है, SCMP में भी है, पोस्टिंग में भी है, एक दो क्वेश्चन में, SFM में तो काफ़ी ज़्यादा है, पूरी SFM इसके बेस पे है, और FR INDEX तो पूरा ही इसमें भरा पड़ा है, ओल्ड कोर्स में भी है। अब प्रेजेंट वैल्यू को कैसे राउंड ऑफ करोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू को कैसे राउंड ऑफ करोगे, देखो मैं SFM की बात करूँ, SFM या SCMP, अपने सब्जेक्ट की बात करूँ मैं SCMP की, या SFM या AMA, इनकी बात करूँ मैं, तो राउंड ऑफ क्या हुआ करेगा, प्रेजेंट वैल्यू में कितना पॉइंट्स में करना है आपको आंसर, पॉइंट्स इन 3 डेसिमल, कितना लेना है आपको, 3 डेसिमल में करना है आपको, करने हैं 3 डेसिमल, अगर एक दो क्वेश्चन में 4-5 ले रखे हैं छोड़ दो, आपको 3 डेसिमल लेने हैं, आपको कितने लेने हैं, 3 डेसिमल में लेना है, 3 से ज़्यादा नहीं लेने, 2 मत ले लेना, 3 डेसिमल लेना है, हाँ स्पेशल बोल दिया 5 लो 4 लो वो बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं बोल रखा, 3 डेसिमल में करना है, आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे AMA SFM और SCMP। अब बचा एक FR, FR में 3 नहीं होता, FR में 4 या 5 होता है, वो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, वो अजय को पता है, तो मैं एक बार अजय से पूछ के बता दूंगा, या तो या आप उसे पूछ लेना, उसकी क्लास होगी तो FR में कितना होता है, कितने राउंड ऑफ, कितना डेसिमल वो लेते हैं, 4 या 5 ज़्यादा लेते हैं FR में, न्यू कोर्स वाले में, लेकिन इन 3 सब्जेक्ट में तो पॉइंट्स इन 3 डेसिमल ही आपको लेना है, FR कभी मैं कंफर्म नहीं कर रहा आपको, लेकिन इनका पॉइंट्स आपको लेने हैं 3 डेसिमल में, 3 डेसिमल करने हैं आपको। हाँ मेरी आर्टिकल शिप हुई थी आर सोगानी से, आर सोगानी एंड एसोसिएट्स कंपनी से आर्टिकल शिप हुई थी मेरी, लास्ट के 6 महीने DT में हुए थे, बाकी ऑडिट वगैरह के सेगमेंट में हुए थे, स्टार्टिंग के ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टेट ऑडिट और टैक्स ऑडिट, ये सब का कॉमन है, ये सब का कॉमन है, DT वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि DT का अलग है, एक दो चीज़ें स्पेशल है वो बता दूंगा, बाकी तो सेम यही होता है, बाकी सेम यही चीज़ होती है, टोटल अमाउंट रुपीज़ वाली, थाउजेंड्स वाली, 0.5 पॉइंट में आ रही है, मान लो कितनी आ रही है, जैसे मैं दिखाऊँ आपको 1050.51 आया, ये रुपीस आया आपको, तो इसको क्या करना है आपको 1051 दिखाना है, 1051 या 1050.55 आया, कितना दिखाना है 1051 दिखाना है, या दूसरा लो रुपीस इन थाउजेंड्स, ये आपका आया रुपीस इन थाउजेंड्स 108.58,
तो आपको दिखाना है 109, इनको राउंड ऑफ कर सकते हो आप रुपीज़ इन थाउजेंड्स को और रुपीज़ नॉर्मल रुपीज़ को, इस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे कोई भी सब्जेक्ट में, SCMPA में नहीं बोल रहा, सभी सब्जेक्ट में ये काम चल जाएगा। देखो DT में साफ प्रोविजन दे रखा है, एक सेक्शन है 119A, उसका अलग बात है, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वैसे ही होती है राउंड ऑफ, वो अलग चीज़ बोलता है, वो इनकम को राउंड ऑफ का बोलता है, वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पूरे मार्क्स मिलते हैं आप नॉर्मल भी कर देते हो तो। अब आते हैं अपन टोटल अमाउंट के बाद, टोटल अमाउंट मिलियंस लैक्स और करोड्स में, रुपीज़ इन करोड्स में दे रखा है आपको, रुपीज़ इन करोड्स में दे रखा है 110.11 करोड़। तो इसको ऐसे राउंड ऑफ मत कर देना, 110 मत कर देना, इसको राउंड ऑफ नहीं करना, पॉइंट्स में रखना है आपको, करोड़ वाली फिगर को हमेशा पॉइंट में रखना है, क्योंकि 11 छोटी अमाउंट नहीं है, 11 छोटी अमाउंट नहीं, 0.11 छोटी अमाउंट नहीं, 11 लाख रुपए होते हैं इसका मतलब। तो इसको आपको ऐसा नहीं रखना, इसको आपको राउंड ऑफ नहीं करना, इसको राउंड ऑफ आपको नहीं करना, इसको आपको राउंड ऑफ नहीं करना करोड़ वाली फिगर को। देखो ग्राफ के क्वेश्चन बताओ कहाँ आते हैं, एक AMA में ग्राफ होता है, एक AMA में, और वो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन AMA में ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना, 10 अटेम्प्ट में एक बार आता है, 10 अटेम्प्ट में एक बार आता है, तो बताओ ग्राफ के क्वेश्चन का आपको कहाँ नीड है। और वैसे ग्राफ देता है शायद इंस्टीट्यूट, अगर नहीं देता कॉपी में लगा के देता है, और कॉपी में नहीं लगा के देता तो आप अलग से उनसे क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से आपको राउंड ऑफ करनी है किसकी, टोटल अमाउंट जो है मिलियंस लैक्स और करोड्स में है। तो इसके बाद अगला है क्वांटिटी हर्स यूनिट्स, क्वांटिटी हर्स यूनिट्स की अपन बात करते हैं। तो क्वांटिटी हर्स यूनिट्स को कैसे राउंड ऑफ करना है आपको, या तो दो डेसिमल में दिखाना है वो भी दिखा सकते हो, और अगर आपको बिल्कुल इंस्टीट्यूट से मैच करना है तो आप राउंड ऑफ, लो राउंड ऑफ आप नॉर्मल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कर दो, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन आए, मतलब आपको निकालनी है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी क्वांटिटी बना सकते हो, तो आपको क्या करना है हमेशा लोअर राउंड ऑफ, तो आपको हमेशा क्या करना है लोअर राउंड ऑफ, तो आपको हमेशा लोअर राउंड ऑफ करना है। अब आ जाओ आप प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कोस्टिंग FSM FR सब की बताया मैंने, FR की भी मैंने कंफर्म नहीं करी, ये चार होते हैं पांच होते हैं, लेकिन AMA SFM और SCMP तीन डेसिमल में आपको राउंड ऑफ करना है, तीन डेसिमल में राउंड ऑफ आपको करना है, AMA SFM और SCMP में आपको थ्री डेसिमल में आपको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे ये मैंने आपको कंफर्म कर दिया राउंड ऑफ का। एक होता है 4x, एक राउंड ऑफ होता है 4x वाला, वो और देख लो 4x वाला क्या होता है, $1 का लिख रखा है आपको, फोरेक्स में आपको पता है एक सिस्टम होता है 0.25 वाला, आपको पता है वो सिस्टम, आपको फाइनेंस ऑफ कोटेशन जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस ऑफ कोटेशन बोलते हैं शायद, फाइनेंस ऑफ कोटेशन मेरे को पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ है वो, तो वो जब बोलते हैं तो ही लगाना पड़ता है, चार डेसिमल में आप राउंड ऑफ करते हो उसको, 25, 50, 75, 100 ऐसा कुछ होता है उसमें, तो एक तो वो फॉलो होता है, और अगर मान लो टोटल फिगर है, टोटल फिगर इसको नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीका कैसा जो ऊपर किया था ना अपन ने, 0.5 अपर और बिलो 0.5 लोअर, इसी तरह से राउंड ऑफ होती है, या दो डेसिमल में इसको दिखा सकते हैं अपन, दो डेसिमल में दिखा सकते हैं, या 0.5 अपर और बिलो 0.5 लोअर, इस तरह से भी कर सकते हैं अगर फोरेक्स की टोटल फिगर है तो। और वन यूनिट की फिगर चार डेसिमल में दिखाते हैं मेनली, चार डेसिमल में उसको दिखाते हैं, चार डेसिमल, अगर इसी क्वेश्चन में दो डेसिमल में दिखा रहे तो क्वेश्चन वाला दिखा दो, वन यूनिट फिगर ये आपको दिखानी है एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसे दिखा रखी वैसे दिखानी है आपको एज पर क्वेश्चन में कितने डेसिमल में दिखा रखी है, लेकिन पता नहीं चल रहा क्वेश्चन में कितने डेसिमल में दिखा रखी है, दे नहीं रखा, तो इसको आप दिखा सकते हो फोर डेसिमल्स में आप इसको दिखा सकते हो, किसको, वन यूनिट फिगर को आप फोर डेसिमल में दिखा सकते हो। जैसे मैं दिखाऊं, $1 = $0.1215, इस तरह से आप दिखा सकते हो, $1 = $0.1215, इस तरह से आप चार डेसिमल में इसको दिखा सकते हो, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखा दो, नहीं दे रखा तो फोर डेसिमल में इसको आप दिखा सकते हो। ये एक 4x का होता है पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, वन यूनिट फिगर को,
अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ये तो अपना राउंडिंग ऑफ वाला काम हो गया। राउंडिंग ऑफ वाला काम अपन ने देख लिया, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है आपको, इसके अलावा टेबल्स अगर आपको नहीं बनानी है, चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, राउंडिंग ऑफ के बाद टेबल्स देख लिया, राउंडिंग ऑफ देख लिया, और आगे चीज़ें अपन एक बार इसमें देखते हैं। एक डाउट ये हो रहता है कि अपन क्वेश्चन रुपीस में करें, रुपीस इन थाउजेंड में करें, रुपीस इन लैक्स में करें, या रुपीस इन करोड़ में करें। ये डाउट दे रहता है, ये डाउट हो रहता है कुछ लोगों को, कि रुपीस में करें, रुपीस इन थाउजेंड में करें, रुपीस इन लैक्स में करें, रुपीस इन करोड़ में करें। ये डाउट जरूर रहता है क्वेश्चन लोगों को, तो इसको भी मैं क्लियर करूंगा कि किस में आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अब देखो सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, मतलब जिसमें क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, जिस फिगर में आपको क्वेश्चन गिवन है, उसी फिगर में आपको करना है। उसी फिगर में क्या करना है आपको, आंसर करना है। मतलब क्या है इसका मतलब, वो बताता हूँ मैं आपको। रुपीस में दे रखा है क्वेश्चन में, जो फिगर दे रखी है वो सब किस में दे रखी है, रुपीस में दे रखी है। क्वेश्चन में से जो फिगर दे रखी है रुपीस में दे रखी है, आंसर किस में करना है। क्वेश्चन मान लो किस में है, क्वेश्चन रुपीस में है, आंसर भी किस में करना है आपको, रुपीस में करना है। क्वेश्चन रुपीस इन लैक्स में है, आंसर भी किस में करना है, रुपीस इन लैक्स में करना है। सेम ये करना है आपको। अभी इसमें कुछ एक्सेप्शन है, अभी इसके एक्सेप्शन मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि आपको भी लगता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रुपीस में दे रखे होते हैं, इंस्टीट्यूट थाउजेंड में कर देता है, ऐसे केस भी होते हैं, बताऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा वो भी। तो रुपीस का क्वेश्चन आपको हमेशा आंसर किस में करना है, रुपीस में। लैक्स दे रखा है, आंसर किस में करना है आपको, लैक्स में। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब मान लो एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ फिगर्स तो दे रखी हैं रुपीस में, इन रुपीस, एंड कुछ फिगर दे रखी है इन लैक्स। होंगे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन, कोस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, एफ आर वगैरह में भी क्वेश्चन है ऐसे, एस एफ एम में भी क्वेश्चन है, डी टी ऑडिट में भी, डी टी क्या बोलते हैं, डी टी आई डी टी में भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कुछ फिगर रुपीस में, सम फिगर्स, और कुछ फिगर दे रखी होती है आपको लैक्स में, कुछ फिगर्स रुपीस में दे रखी होती है और कुछ फिगर्स दे रखी होती है आपको लैक्स में, ऐसे क्वेश्चन में। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको इन दोनों में से एक चूज करना है, रुपीस में करें या लैक्स में करें। एक के ही करोगे आप, ऐसा थोड़ी करोगे आप कुछ आंसर रुपीस में कर दिया, कुछ लैक्स में कर दिया, ऐसा मत कर देना, दिक्कत आ जाएगी, ऐसा मत कर देना। आपको क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, लेकिन आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो दो फिगर दिखा दो आंसर में, आंसर में आपको एक ही फिगर दिखानी है, तो रुपीस या लैक्स। तो क्या करोगे, रुपीस दिखाओगे या लैक्स दिखाओगे। तो देखो ज़्यादातर केस में ऐसे जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे जो भी क्वेश्चन होता है, इंस्टीट्यूट छोटी वाली फिगर से करता है, मतलब रुपीस और लैक्स दिखा रखा है, तो आपको करना है रुपीस में। किस में करना है, रुपीस में। या आपको दिखा रखा है लैक्स और करोड्स, आपको दिखा रखा है करोड्स एंड लैक्स, तो आपको किस में करना है, लैक्स में। ज़्यादातर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा सारे क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, हाँ सही बोला आपने सिद्धार्थ जी, प्रेजेंटेशन का कोई मैटर यहाँ मच रिलेवेंट नहीं होता, कंटेंट होना चाहिए, बस कंटेंट होना चाहिए। तो छोटी मोटी प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल आंसर इंस्टीट्यूट से मैच हो जाए और आपको बिल्कुल दिक्कत ना आए, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर पाओ, क्योंकि आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन देख के कि रुपीस में करें लैक्स में करें। 5 मिनट तो आप इनमें बर्बाद कर देते हो कि रुपीस में दे रखा है लैक्स में करें किस में करें, 5 मिनट तो आप ऐसे चीज़ों में बर्बाद कर देते हो, इसको राउंड ऑफ कैसे करें, 5-7 मिनट आप इनमें बर्बाद कर देते हो। तो इनको तो फिक्स दिमाग में बैठा लो, तुरंत करना है आपको, वहाँ पर सोचना ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो ये पढ़ना है आपको, ये लिखना है आपको कि क्या करना है डेसिमल, तो ये आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ इंस्टीट्यूट ऐसे करता है, मैं भी ऐसे कर देता हूँ, तुरंत बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आप ये सोचने लग जाओगे वहाँ पे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के तरीके हैं, ये कुछ चीज़ें हैं टाइम बचाने के तरीके हैं, ताकि आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो और तुरंत आंसर कर दो, तुरंत आप आंसर कर सको। वो भी बताऊंगा मैं ओआर में, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट वाला, वो बताऊंगा, एक बार मैं ये बता दूंगा आपको। तो क्या करता है इंस्टीट्यूट, जो स्मॉल फिगर होती है, कंपैरिजन करना आपको उन जो फिगर दे रखी है, कभी कभी क्वेश्चन में तीन तीन फिगर दे रखी होती हैं, रुपीस भी दे रखा होता है, करोड़ भी दे रखा होता है, लैक्स, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी हैं, आप देखना एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे। तो जो सबसे छोटी फिगर होती है आप उसमें सोल्व करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज़्यादातर ऐसे करता है, ज़्यादातर टाइम इंस्टीट्यूट का करता है छोटे फिगर वाला लेता है उनमें से। ऐसा नहीं बोल रहा 100% केस ऐसे हैं, मैंने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर टाइम इंस्टीट्यूट क्या करता है, स्मॉल फिगर में करता है, करोड़ और लैक्स में कर दिया, करोड़ रुपीस और कुछ फिगर दे रखी है इन रुपीस में, कुछ करोड़ में दे रखी है, कुछ लैक्स में, कुछ इन रुपीस में दे रखी है, तो किस में कर दिया आपने, तीनों में से छोटा कौन सा है, रुपीस, ऐसे करना है आपको, स्मॉल फिगर में करना है आपको।
तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ओनली डीटी के लिए, डीटी के लिए बता रहा हूँ ये, बाकियों के लिए नहीं बता रहा, बाकियों के लिए मैं बता दिया सेम ही तरीका चलेगा, एफ आर एस एफ एम एस सी एम पी सबके लिए ये तरीका चलेगा, ए एम एस सी एम पी के लिए फुल तरीका ये सेम। अब डीटी के लिए मैं एक स्पेशल तरीका बता रहा हूँ, डीटी में फॉलो होगा ये, हमेशा फॉलो होगा। टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है ना, टोटल इनकम क्वेश्चन और एक डी टी डब्ल्यू ए क्वेश्चन, क्या बोला मैंने, टोटल इनकम क्वेश्चन और डी टी डब्ल्यू ए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कौन कौन से, टोटल इनकम क्वेश्चन और डी टी डब्ल्यू ए क्वेश्चन, इनको हमेशा हमेशा रुपीस में करना, हमेशा रुपीस में करना, ये याद रख लो। डीटी में बता रहा हूँ ये स्पेशल पॉइंट है, कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा, डीटी में टोटल इनकम क्वेश्चन और डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन हमेशा रुपीस में करना, ये आप एनालिसिस कर सकते हो, पुराने उठा के देख लो, कितने भी पेपर उठा के देख लो, डीटीडब्ल्यू का क्वेश्चन मैं बता भी देता हूँ रीजन क्या है इसका, इसको करने का रीजन क्या है। डीटीडब्ल्यू के क्वेश्चन में आप एक रेट निकालते हो, याद हो आपको, इंडियन रेट फॉरन रेट विच एवर इज लोअर करते हो, तो अगर आप इसको मिलियंस या लैक्स में करोगे, फिगर अगर आपको दे रखी है लैक्स में, डीटीडब्ल्यू क्वेश्चन में फिगर सारी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, लैक्स में दे रखी है, तो अभी आपको क्या करना है, रुपीस में करना है, क्योंकि अगर आप उस रेट को निकालोगे ना मिलियंस लैक्स वगैरह में, आपकी गलत आ सकती है वो, क्योंकि वो दो डेसिमल में निकलती है और गलत हो सकती है वो, तो इसको हमेशा किस में करना, रुपीस में करना। देखो स्मॉल फिगर, अगर मान लो 150 करोड़ ऐसे में हो, तो 15 करोड़, करोड़ में हो ना, करोड़ करोड़ तक वो बड़ा नहीं लगता, अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, ज़्यादा बड़ा नहीं लगता वो, आपको लिखने में जोर आता होगा लेकिन लिखना पड़ेगा, अगर आपको बिल्कुल आंसर इंस्टीट्यूट से मैच करना है, तो बिल्कुल आंसर इंस्टीट्यूट से मैच करना है तो इतना बड़ा नहीं लगेगा, और इतने फिगर्स होंगे नहीं ऐसा कि उस क्वेश्चन में इतने बड़े बड़े फिगर्स होंगे, और अगर इतने बड़े फिगर होते हैं ना आजकल के क्वेश्चन में, इंस्टीट्यूट उसको पहले से क्या कर देता है, उसको करोड्स में या लैक्स में दे देता है, पहले से क्वेश्चन में दे देता है, इंस्टीट्यूट को पता होता है कि ये क्वेश्चन करोड्स और लैक्स में ही सोल्व होगा, तो आपको भी करोड्स और लैक्स में करना है, तभी तो मैंने बोला अगर रुपीस इन लैक्स है तो रुपीस इन लैक्स, रुपीस इन करोड्स दे रखा है आपको तो रुपीस इन करोड्स में करो सोल्व, मैंने थोड़ी बोला उसको आप चेंज कर दो उसको रुपीस में कर दो, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है आपको कि रुपीस वाले सभी को रुपीस में कर दो, मैंने बोला रुपीस इन लैक्स दे रखा तो रुपीस इन लैक्स में करो, रुपीस इन करोड़ दे रखा तो रुपीस इन करोड़ में करो, रुपीस दे रखा तो रुपीस में करो, लेकिन क्वेश्चन में दो दो चीज़ें दे रखी हैं, कुछ फिगर करोड़ में कुछ लैक्स में कुछ रुपीस में, तीन तीन दे रखी है मान लो, या दो दो दे रखी है करोड़ और लैक्स, तो सब में से इन सब में जो भी दे रखी है क्वेश्चन में, सबसे छोटा सोच लो, सबसे छोटा वाला ले लो आप, सबसे छोटा वाला लेना है ज़्यादातर क्वेश्चन। अब डी टी का मैं स्पेशल बता रहा हूँ दो पॉइंट्स का, डी टी का दो पॉइंट्स का, टोटल इनकम का क्वेश्चन और डी टी डब्ल्यू का क्वेश्चन, टोटल इनकम का क्वेश्चन और डी टी का ही बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो मैंने आपको बता ही दिए, अब डी टी का एक बार देख लो, टोटल इनकम का क्वेश्चन और डी टी डब्ल्यू का क्वेश्चन, इनको हमेशा किस में करना है, रुपीस में, चाहे फिगर करोड्स में हो चाहे लैक्स में हो चाहे रुपीस में हो किसी में भी हो, आपको तो किस में करना है इसको, ऑलवेज सोल्व इन रुपीस, और दो ही टाइप के क्वेश्चन, टोटल इनकम और डी टी डब्ल्यू। टोटल इनकम का कौन सा क्वेश्चन आता है, 14 मार्क्स का आता है ना कंपलसरी क्वेश्चन, पहले आता था ये 10 नंबर का, फिर 14 का हुआ, 16 का आता था पहले 16 मार्क्स का, अब 14 का आता है कंपलसरी क्वेश्चन, ये 14 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, जो टोटल इनकम निकालते हो ना आप, हमेशा इसको रुपीस में करना, हमेशा इसको किस में करना, रुपीस में, हमेशा इसको रुपीस में करना, क्यों रुपीस में करते हैं, आपने कंप्यूटेशन देखा होगा, कंप्यूटेशन बनाया होगा आपने, काफ़ी सारे आर्टिकल्स में बनाए होंगे ना, उसमें देखा कंप्यूटेशन हमेशा रुपीस में बनता है, तो कितने भी करोड़ का बनाओ आप रुपीस में बनता है वो, तो इसको हमेशा रुपीस में करना, इन दो चीज़ों को हमेशा रुपीस में करना, चाहिए 15 करोड़ दे रखी हो चाहे 10 करोड़ दे रखी हो, कितने भी दे रखे हो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा रुपीस में, पूरे मार्क्स चाहिए तो, कोई भी क्वेश्चन लिख लेना रुपीस में करना है आपको। अरे जो स्ट्रेटजी सभी के लिए है ये, ऐसा नहीं बोल रहा खाली फाइनल वालों के लिए है, सीए इंटर वालों के लिए भी है ये, जो स्ट्रेटजी का वीडियो चल रहा है इंटर फाउंडेशन सब देख सकते हैं ये, सबके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि इंटर में अलग प्रेजेंटेशन होती है फाइनल में अलग प्रेजेंटेशन होती है, या फाउंडेशन के जो अकाउंट्स का पेपर होता है उसमें अलग प्रेजेंटेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए फॉलो कर सकते हैं ये। वो भी बताऊंगा मैं नोट कहाँ बनाने हैं, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट का अलग से पॉइंट आएगा, अभी आप ये देख लो वर्किंग नोट का अलग से पॉइंट आएगा, वर्किंग नोट का भी पॉइंट आएगा, क्लास 1 घंटे और चलेगी अभी, अभी मैंने प्रैक्टिकल खत्म कहाँ किया है, 10-15 मिनट प्रैक्टिकल का डिस्कशन अभी चलेगा, वो भी आएगा, ये आपने समझ लिया होगा, ये बातें याद रख लेना बस आप, ये आपके काम की हैं, आपको सोचने का टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे, इसके से भी आपके 5-7 मिनट बच जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आप देखना आपने भी कभी कभी सोचा होगा कि रुपीज़ में करें लैक्स में करें, क्या 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करें या अपर राउंड ऑफ करें लोअर राउंड ऑफ करें, और सोचने सोचने में आपने 1-2 मिनट बर्बाद कर दिए होंगे, एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट, एक क्वेश्चन में मान लो आप 1 मिनट नहीं 20 सेकंड भी बर्बाद करते हो या 30 सेकंड भी बर्बाद करते हो, 10 क्वेश्चन करते हो तो आपके कितने मिनट बर्बाद हो गए आप निकाल सकते हो ऐसे,
ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी मिनट सेव करेंगी, तभी आपका पेपर अटैम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप वहाँ सोचने लग गए ना एग्जाम में, तो आपका पेपर कभी अटैम्प्ट नहीं हो सकता। अटैम्प्ट तभी होगा जब आप सोचना बंद कर दोगे, मतलब आपके दिमाग में फिक्स होगा कि ये करना है, बस पहले से फिक्स होना चाहिए कि क्या करना है। मेरे सारे पेपर इसलिए अटैम्प्ट हुए थे, सारे पेपर 100 मार्क्स के अटैम्प्ट हुए थे मेरे। एक कोस्टिंग वाला पेपर भी 100 मार्क्स के अटैम्प्ट हुआ था, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाई थी उसमें लास्ट क्वेश्चन में, क्योंकि वो ज़्यादा ही बड़ा आता है कोस्टिंग का पेपर, ओल्ड कोर्स का तो भयंकर बड़ा आता है, तो उसमें क्वालिटी नहीं आ पाई और आ भी नहीं पाएगी क्वालिटी किसी की भी, बहुत लेंदी पेपर आता है वो। मेरी कमी पता चल गई थी मेरे को, क्यों क्वालिटी नहीं आ पाई थी, कि क्या गलती की थी मैंने, उसकी प्रेजेंटेशन की गलती भी मैं आपको बताऊंगा कोस्टिंग की, कि क्या आपको नहीं करना, टाइम कैसे बचाना है। कोस्टिंग के पेपर में टाइम बचाने का एक तरीका और है, वो मैं आपको स्पेशल बताऊंगा, एएमए का ही बताऊंगा मैं आपको। एएमए का मेरा पेपर भी अटेम्प्ट तो हो पाया था, लेकिन मेरे क्या था, 5 मिनट बचे थे और क्वेश्चन नंबर 7 जो थ्योरी वाला है वो पेंडिंग था। एक क्वेश्चन मेरे को करना था, प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकता था मैं, 5 मिनट बचे थे, थ्योरी वाला मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, क्योंकि चारों क्वेश्चन नहीं आ गए थे हमारे अटेम्प्ट में, थ्योरी में चारों क्वेश्चन नहीं आ गए थे एएमए में। नहीं तो सेक्शन बी और सी से कॉपी पेस्ट होते, सेक्शन सी से कॉपी पेस्ट होते हैं, या सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इस बार तो सारे चारों क्वेश्चन ही नहीं आ गए थे। अब करना पड़ा ज़बरदस्ती 5 मिनट में। अब 5 मिनट में ऐसी क्वालिटी आई तो मेरे नंबर भी उसमें 16 में से 2 नंबर आए थे उस क्वेश्चन में। वैसे 71 आ गए थे मेरे नंबर, लेकिन उसमें 16 में से 2 नंबर आए थे ओनली। क्वालिटी ऐसी थी, एक तो एक आता भी कम था तो नंबर ही नहीं आए। और लास्ट में क्या था मैंने, तो कुछ लोग सोचते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन करने से, बाद में बेकार क्वेश्चन करने से ऐसा होता है कि बाद वाले क्वेश्चन में नंबर मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी मत सोचना कुछ लोग। हाँ, स्टार्टिंग में अगर आपने एकदम ही गंदा पेपर कर दिया तो बाद वाले क्वेश्चन में नंबर कटने के चांस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छा किया, अच्छा दिखाया, तो बाद वालों में नंबर मिल जाएगा, ये गलत होता है, ये सोचना गलत है, तो ये सोच भी गलत है एक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन था उसमें 16 में से 2 आए, जबकि बाद स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मेरे सही नंबर आ रहे थे, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं होता कि वो लास्ट क्वेश्चन तक फ्री का नंबर दे देगा, कि हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन है फ्री के नंबर दे दे, ऐसा नहीं होगा कोई भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये आपने देख लिया राउंडिंग ऑफ वगैरह का, रीटी का इसलिए आपने देख लिया, राउंडिंग ऑफ मैंने आपको बताई थी राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। अब एक होता है वर्किंग नोट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट एएमए एससीएमपीई नाम चेंज कर दिया, अलग लिखना पड़ता है मेरे को नाम, FR SFM कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्किंग नोट कहीं भी बना सकते हो आप, एनी प्लेस। एनी प्लेस मतलब ये मत सोचना कि लास्ट में बना दिया, लास्ट पेज पे बना दिया, ऐसा मत सोचना कि रफ में बना दिया। एनी प्लेस मतलब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी बना सकते हो, मिड में भी बना सकते हो, एंड में भी बना सकते हो, स्टार्टिंग मिड और एंड कहीं भी बना सकते हो, स्टार्टिंग मिड और एंड कहीं भी बना सकते हो आप। बेस्ट क्या है, पहले वर्किंग कर लो आप, बेस्ट क्या है पहले वर्किंग कर लो। पीएम के आप क्वेश्चन देखोगे, एसएम के क्वेश्चन देखोगे, उसमें क्या होता है वर्किंग बाद में दिखाई जाती है, पहले मेन आंसर दिखाया जाता है, पहले मेन आंसर। जैसे मान लो आप एएमए का क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप निकाल रहे हो मान लो ट्रांसफर प्राइस निकाल रहे हो, तो पहले वो मेन ट्रांसफर प्राइस निकालने की कैलकुलेशन दिखाता है और उसकी वर्किंग नीचे दिखाता है, वो ऐसे दिखाते हैं आपको, वो नहीं करना फॉलो। तो क्या होता है अगर आप ऐसा करोगे ना, एंड वाला सिस्टम करोगे, तो आप क्या करोगे, मेन आंसर के लिए जगह छोड़ोगे, क्योंकि मेन आंसर तो अभी स्टार्ट कर नहीं सकते आप। मेन आंसर तो पूरा कब होगा, जब वर्किंग करोगे तभी तो होगा। काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, अमालगमेशन CFS वगैरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट वगैरह वगैरह की। तो आप बैलेंस शीट पहले बना लोगे, मान लो ये बैलेंस शीट बना रहे हो आप, बैलेंस शीट बना रहे हो, पहले स्टार्टिंग करिए आपने क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करिए आपने। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ से लिखोगे, इसमें जगह छोड़नी पड़ेगी ना आपको, कितनी बड़ी बैलेंस शीट बनेगी, कितनी बनेगी, या कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो कितना बड़ा जगह छोड़े, तो आप क्या करते हो उल्टी सुलटी जगह छोड़ देते हो, फालतू टाइम वेस्ट करते हो उसमें। तो सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट से स्टार्ट कर दो ना, वर्किंग नोट बनाने ही हैं तो स्टार्ट ही उससे कर दो। कुछ लोग सोचते हैं बिना वर्किंग नोट के काम चल जाएगा, तो वो गलती गलत बात है, वर्किंग नोट तो जरूर बनाने पड़ेंगे आपको। देखो मैंने क्या बताया आपको, डिस्काउंटिंग फिगर SFM में आपको 3 डेसिमल ही लेना है, 4 ले रखे हैं 3 ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। SFM में 98% क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट 3 डेसिमल लेता है, तो आपको रटना नहीं है कि इस क्वेश्चन में 4 डेसिमल ले लिया तो मैं रट लूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा उससे। 3 डेसिमल में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 3 डेसिमल लेने से कुछ भी मार्क्स नहीं कटेगा, साफ इंस्ट्रक्शन होती है एग्जामिनर को, ये छोटा मोटा जो डिफरेंस आता है राउंडिंग ऑफ का, उससे मार्क्स नहीं कटे, तो आपको ये 4 4 डेसिमल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो फर्स्ट 15 मिनट में क्या करें, इसका अलग वीडियो आएगा, प्रेजेंटेशन का वीडियो है। अब तो आप क्या करो, वर्किंग नोट सबसे पहले क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया, मान लो आपने क्वेश्चन कोई सा भी स्टार्ट किया, सबसे पहले आप लिखो वर्किंग्स और यहाँ वर्किंग करने लग जाओ, जो जो पॉइंट आपको कैलकुलेट करने हैं कैलकुलेट कर लो, या तो लिख लिख के कैलकुलेट कर लो,
एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक करना है आपको गुडविल, एक आपको एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस। सीएफएस का बात कर रहा हूँ मैं, किसी की भी बात कर लो, मैं एक एग्जांपल लिया सीएफएस का। जो भी करने हैं आपको वर्किंग करते रहो, बस पहले वर्किंग कर लो सारी, फिर लास्ट में जो फाइनल आंसर है, बैलेंस शीट बनानी है, कुछ भी करना है, पी एन एल अकाउंट बनाना है, या आपको मान लो कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन करना है, वो लास्ट में करो, फिर क्वेश्चन करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में करना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट एंड में करता है तो आप भी एंड में करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिड में करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, एंड में करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, स्टार्टिंग में करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। कहीं भी करो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी करो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और इंस्टीट्यूट भी आजकल कभी कभी स्टार्टिंग में पहले वर्किंग दिखाता है, नए वाले कोर्स में देखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वर्किंग दिखा रखी है इंस्टीट्यूट ने, फिर बाद में आंसर किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है पहले बिना वर्किंग के आप आंसर दिखाओगे कैसे करेगा कोई भी। तो पहले वर्किंग दिखाओ फिर आंसर दिखाओ, बेस्ट तरीका। पूरे मार्क्स आपको स्कोर होंगे इसमें, एक मार्क भी, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। कि कहीं भी दिखाओ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्टिंग में दिखाना बेस्ट है। मैंने हमेशा हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिखाई है, मैंने हमेशा हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिखाई है। और जो रैंकर्स होते हैं ना, वो भी स्टार्टिंग में दिखाते हैं ज़्यादातर रैंकर्स, क्योंकि उनको पता है फालतू में जगह छोड़ेंगे, पता नहीं चले कितनी जगह छोड़नी है। आपको छोड़नी थी मान लो एक पेज, और आपने आधा पेज ही छोड़ा, और उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करी, दिक्कत आ जाएगी बाद में, बाद में आपको दुख होगा, पूरा वर्किंग काटनी पड़ेगी, क्या करोगे फिर आप। या आपको छोड़ना था एक पेज और आपने दो पेज छोड़ दिए, मेन आंसर के लिए दो पेज छोड़ दिए, दिक्कत आएगी, एक पेज खाली सा दिखेगा, फिर उसको काटना पड़ेगा फालतू में आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, काटने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी काटना पड़ेगा। तो ऐसे काम ही क्यों करो, ऐसे काम आने की नौबत ही क्यों आने दो आप, कि पेज काटना पड़े या तो ये जगह ही ना बचे और आपको पूरा आंसर काटना पड़े। ये ऐसी मिस्टेक होती है काफ़ियों के साथ, ये नहीं बोल रहा मैं सबके साथ होती है, लेकिन काफ़ियों के साथ ऐसी मिस्टेक होती है। ये पेज काटने वाली तो सबके साथ होती है, क्योंकि अपन ज़्यादा पेज छोड़ देते हैं, क्योंकि कम वाला जो कम छोड़ता है वो तो बिल्कुल ही बेकार हाल है वो तो, क्योंकि आपको पूरा आंसर ही काटना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट हो गया आपका ये देख लेना। तो ऐसी मिस्टेक्स लगभग 70% लोग करते हैं वर्किंग नोट बाद में करने की या मिड में करने की। कुछ लोग तो करते ही नहीं, वर्किंग नोट ही नहीं बनाते, वो तो एकदम ही गलत है, वो तो बिल्कुल ही गलत है, आपके मार्क्स आधे हो जाएंगे। अगर मान लो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया, वर्किंग नोट नहीं बनाया तो ये मान लेना उसके आधे मार्क्स कन्फर्म है, उसमें आधे मार्क्स आएंगे। अगर आपने पूरा आंसर ठीक किया तो आधे ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधे आएंगे। फिर आप कुछ भी बोलो इंस्टीट्यूट को, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। ऐसे केस में एग्जामिनर की गलती नहीं है ना, इंस्टीट्यूट की गलती, आपकी गलती मानी जाएगी अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाए या कैलकुलेटर पे ही कर लिया सब चीज़ें। तो कैलकुलेटर पे करना ऐसा नहीं है अलाउड, कि सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे निकाल दी, गुडविल कैलकुलेटर पे निकाल दी और बैलेंस शीट में डाल दी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे निकाला, बैलेंस शीट में डाला, या रफ में निकाल दिया, लास्ट पेज में निकाल लेते कुछ लोग, जबकि मेन पेज में नहीं निकालते। तो ऐसे काम मत करना, वर्किंग नोट जरूर बनाने हैं आपको। और वर्किंग नोट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ों के बना दो, कि आपने रिजर्वेशन सरप्लस अकाउंट का एक वर्किंग नोट बना दिया फालतू, फालतू वर्किंग नोट नहीं बनाने, जो काम के होते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है ना वो बनते हैं। कौन से वाले बनते हैं वर्किंग नोट? कैलकुलेशंस वाले। फालतू वर्किंग नोट कुछ नहीं बनते, कैलकुलेशंस वाले बनते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, बैलेंस शीट का कोई भी क्वेश्चन आए ना किसी भी सब्जेक्ट में, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में बैलेंस शीट बन जाती है आजकल, मेन तो FR का, SFM में तो फालतू बैलेंस शीट बनती है वो नॉर्मल वाली, तो FR की बैलेंस शीट बनती है ना FR में, या आपके CA इंटर की भी बात करें अकाउंट्स वाली, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में, और CA फाउंडेशन में भी अगर बैलेंस शीट है कंपनी की, किसमें अकाउंट्स वाली सब्जेक्ट में, तो बैलेंस शीट में क्या करना है, आप ध्यान क्या रखना कि आपको नोट्स टू अकाउंट्स जरूर बनाने हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स ईच पॉइंट का बनाना है आपको। ईच पॉइंट मतलब ट्रेड पेबल भी दे रखा है ना, उसका भी ट्रेड पेबल लिख दो आप, TP लिख दो आप, तो आपको टाइम लग रहा है, TP लिख दो, फिगर लिख दो, बस इतना ही नोट्स टू अकाउंट है, आधा नंबर मिल जाएगा आपको। ईच पॉइंट्स के नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, हाँ। शेड्यूल मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बोल रहे हो कि आप, नोट्स टू अकाउंट्स हर का बनाना है, हर पॉइंट का, चाहे उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हो, आपको हर का बनाना है। नोट्स टू अकाउंट अलग चीज़ है, वर्किंग नोट अलग चीज़ है, ये बात भी याद रखना। वर्किंग नोट तो कैलकुलेशंस होती हैं, नोट्स टू अकाउंट्स तो बैलेंस शीट का पार्ट होती है ना, नोट्स टू अकाउंट्स वो होते हैं बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट का पार्ट, इसे बैलेंस शीट का पार्ट माना जाता है। तो ये हर पॉइंट का दिखाना है आपको, ट्रेड पेबल, डेटर, स्टॉक, चाहे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस आपको तो दिखाना है। स्टॉक दे रखा है बैलेंस शीट में क्वेश्चन में 10,000, और यहाँ भी 10,000 दिखाना आपको, तो 10,000 लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। अब स्टॉक आपको पूरा नहीं लिखा जा रहा, ST के लिख दो बस आप, लेकिन दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं बनाते नोट्स टू अकाउंट्स, कुछ लोग बनाते हैं लेकिन मेन मेन बना के छोड़ देते हैं। मेन मेन मतलब शेयर कैपिटल दिखा दी, रिजल्ट दिखा दिए बस, या असेट्स दिखा दिए बस, बाकी चीज़ें छोड़ दी पूरी। ऐसा नहीं करना, हर पॉइंट का दिखाना होता है, नहीं तो आपके फालतू के नंबर कटेंगे, क्योंकि वो आपको पता भी था कि आप दिखा सकते थे, ऐसा थोड़ी था उसमें दिमाग लगाना पड़ता, बस लिखने की जोर था उसमें।
डायरेक्ट फिगर दिखा सकते हो, प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, अभी उस पॉइंट पे आऊंगा, और एएमए का स्पेशल प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा आपको मैं। ये हो गया आपका, इसमें आपको क्लियर हो गया। वर्किंग नोट आपको बनाने हैं, हर पॉइंट के नहीं बनते वर्किंग नोट, कैलकुलेशन वाली चीज़ों के बनते हैं, समझ लेना। ऐसा नहीं कि हर चीज़ों के वर्किंग नोट बनते हैं, कैलकुलेशन जिनमें होती है ना उनके वर्किंग नोट बनते हैं, जिसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मतलब कुछ प्लस वगैरह करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें माइनस वगैरह करनी पड़ती है, उनके वर्किंग नोट बनते हैं। और वर्किंग नोट सबसे बढ़िया तरीका कहीं बनाओ वैसे तो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका स्टार्ट में बनाओ। और नोट्स टू अकाउंट्स वर्किंग नोट नहीं होते, नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। और नोट्स टू अकाउंट में आपको हर पॉइंट, बैलेंस शीट में जो भी पॉइंट आया है, हर पॉइंट का आपको क्या देना है, हर पॉइंट का आपको लिख के देना है, हर पॉइंट को लिख के देना है आपको। बैलेंस शीट नहीं बना पाए तो ऐसे नहीं पूरे नंबर कट जाएंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर होते हैं बैलेंस शीट के, मुश्किल से मुश्किल, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर, वैसे 3 और 4 नंबर ही होते हैं, 3 या 4 नंबर बस। तो ऐसा मत सोचना 3-4 नंबर की बैलेंस शीट बना से ही पूरे 16 नंबर मिल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं और कुछ नहीं बनाते, खाली बैलेंस शीट बनाया है, आगे एक भी नोट नहीं बनाया, ना वर्किंग नोट बनाया, कुछ नहीं बनाया, नंबर कट जाएंगे। और जैसे मान लो 8 नंबर की बैलेंस शीट, 16 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो बैलेंस शीट के 4 नंबर होते हैं, और नोट्स टू अकाउंट्स जो होते हैं ना, नोट्स टू अकाउंट्स, इसके भी 4 नंबर होते हैं, और बाकी वर्किंग नोट 4, इसके भी 4 नंबर होते हैं। और वर्किंग नोट्स के मैं बता रहा हूँ आपको, वर्किंग नोट्स के कोई भी क्वेश्चन आया, अमालगमेशन सीएफएस या और भी कोई 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, गुडविल वगैरह में तो बैलेंस शीट नहीं बनती, लेकिन अमालगमेशन सीएफएस हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया सीए इंटर में, और भी काफ़ी एक दो क्वेश्चन होते हैं जो बैलेंस शीट बनती है, सीए इंटर में तो काफ़ी चैप्टर हैं, लेकिन फाइनल में तो अमालगमेशन है, एक सीएफएस है, अमालगमेशन मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन, और भी एक दो चैप्टर होंगे, वर्किंग नोट के 8 नंबर, इस तरह के मार्क्स होते हैं, इस तरह की मार्किंग पैटर्न होता है। नोट्स टू अकाउंट छोड़ दिया, फ्री के 4 नंबर जाएंगे आपके, जो फ्री में आप ले सकते थे वो आपके फालतू चले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट मतलब वर्किंग नोट नहीं होता, बैलेंस शीट का पार्ट होता है ये, ओनली बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में बनता है, ऐसा मत सोचना कि सभी क्वेश्चन में बनता है, ये जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है तो उसमें बनता है। वो बताऊंगा, थ्योरी का आऊंगा, अभी एक बार आप प्रैक्टिकल कवर कर लो, प्रैक्टिकल वाला चल रहा है, मैं आपको थ्योरी का बताऊंगा, ऑडिट में कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना सब चीज़ें बताऊंगा डिटेल में, इतनी डिटेल में क्लास चल रही है, 5 मिनट वाली क्लास नहीं है कि मैं ऊपर हवा में बता रहा हूँ आपको, 2 घंटे की क्लास चल रही है, तो 2 घंटे में मैं आपको डिटेल एक एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट का काम खत्म। अब मैंने 2 सब्जेक्ट छोड़ी थी आपको याद हो तो, एक डी टी आई डी टी में देखो कैलकुलेशंस बहुत कम होती है, आपको भी पता है, डी टी में अपन या ऐड करते हैं या लेस करते हैं, डी टी आई डी टी में ये होता है, या नील फिगर आता है, ऐड लेस करते हैं, छोटी मोटी कैलकुलेशन होती होगी, बहुत कम होती है, डी टी में भी आपको पता है और आई डी टी में भी आपको पता है, आपने भी काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, डी टी में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, अगर प्रोविजन याद है तो, प्रोविजन अगर आपको आते हैं तो आप कोई भी आंसर ठीक कर सकते हो। डी टी आई डी टी SFM FR और SCMP जैसी सब्जेक्ट नहीं है कि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हो, FR SFM में तो कैलकुलेशन तगड़ी होती है, FR में फिर भी आजकल कम होने लग गई न्यू कोर्स में, लेकिन SFM SCMP में तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, और AMA में तो काफ़ी तगड़ी कैलकुलेशन होती है। डी टी आई डी टी ऐसा पेपर नहीं होता, डी टी आई डी टी में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती। क्या होता है डी टी आई डी टी में, प्रोविजन्स होते हैं, या तो ऐड करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, या डिवाइड मल्टीप्लाई भी होता होगा छोटी मोटी चीज़ों में, बस ये करना होता है। अगर आपको ठीक से पता है कि इसको ऐड किया जाता है या इसको लेस किया जाए या इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आप आराम से डी टी आई डी टी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये तो आपको भी पता है। तो डी टी आई डी टी में कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर होती है, होती होगी कुछ छोटी मोटी, लेकिन ना के बराबर कैलकुलेशन होती है डी टी आई डी टी में, आपको भी पता है। अब इसमें वर्किंग नोट कैसे बनाओगी, इसमें देखो वर्किंग नोट बनते हैं कैसे टाइप के, लाइन से लिखने होते हैं आपको वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में क्या बनते हैं इसमें मेनली, देखो वर्किंग नोट इसमें 2 तरह के बनते हैं, मैं बताऊंगा आपको। एक बनते हैं कैलकुलेशंस के, कैलकुलेशंस के बहुत कम बनते हैं, वेरी फ्यू, आपको भी पता है काफ़ी कम कैलकुलेशन होती है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट की बात कर रहा हूँ, पूरे आंसर की बात नहीं कर रहा मैं, वर्किंग नोट की बात कर रहा हूँ, कैलकुलेशन के वेरी फ्यू होते हैं, वो मेन आंसर की बात नहीं कर रहा कि इनकम निकालने का क्वेश्चन है तो उसमें वो आंसर हुआ बिजनेस कैपिटल की नज़र से उसकी इनकम निकाली आपने, वो तो मेन आंसर है, वो तो इनकम निकालने का टोटल इनकम का क्वेश्चन आया तो वो तो मेन आंसर है, या ट्रांसफर प्राइस निकाला तो ट्रांसफर प्राइस की जो आपने टेबल बनाई वो तो मेन आंसर है, वो वर्किंग नोट नहीं है। तो कैलकुलेशन वेरी फ्यू होते हैं वर्किंग नोट। प्रोविजंस, प्रोविजंस के वर्किंग नोट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं इसमें, कुछ लोग ये बनाते ही नहीं है, ये वर्किंग नोट होते हैं प्रोविजंस के। आपने देखा होगा डी टी आई डी टी, मैंने कॉपी दिखाई थी, अगर आपने किसी ने मेरी कॉपी देखी हो आई डी टी वाली कॉपी, मैंने क्वेश्चन किया था,
मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था और मार्किंग पैटर्न, क्योंकि उन्होंने स्टेप वाइज मार्किंग दे रखी थी, अजय की भी दिखाई थी मेरी भी। एक क्वेश्चन था जिसमें आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई या एग्जिबिशन वाले बताना था कि टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आएगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में उस पॉइंट लिख रखे थे 3-4 पॉइंट, तो फिगर लिख रखा था यहाँ पे, किसी में 10,000, किसी में कुछ फिगर वगैरह वगैरह, और यहाँ टोटल करके आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ गया 10,000 मान लो। इसके बाद नोट्स नोट्स बना रखे थे इंस्टीट्यूट ने, और नोट्स मैंने अपनी लैंग्वेज में बनाए थे, रजनी भी अपनी लैंग्वेज में, यहाँ नोट्स अपने लैंग्वेज में बनते हैं, डीटी में जो नोट्स बनते हैं ना, ये ओन लैंग्वेज में बनते हैं, कभी भी इसको रटना मत, ये अपनी लैंग्वेज में बनाओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें रटना नहीं पड़ता आपको। तो नोट्स बनाए थे मैंने, तो मार्किंग जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन था ना, ये 8 नंबर का क्वेश्चन, इसके तो मैक्सिमम जो मार्क्स अलॉट होते हैं वो होते हैं 4, और 4 नोट्स के, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में इस फिगर के, मान लो 6-8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके 2 नंबर अलॉट थे और इन नोट्स के 6 नंबर अलॉट थे, लाइन लिखने के, बस अपनी लैंग्वेज में लाइन लिखने के 6 नंबर अलॉट थे। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये नोट्स तो बनाते ही नहीं है, प्रोविजन वाले नोट्स, प्रोविजन वाले नोट्स होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका टोटल इनकम का, आपको काफ़ी सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं, प्रोविजन वाले नोट्स क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपको बनाना पड़ता है एज पर सेक्शन 40A3 कैश एक्सीडिंग रुपीज 10,000 डिसअलाउड, ये आपने बनाया, ये प्रोविजन वाला वर्किंग नोट आपने बनाया, ये वर्किंग नोट बनाने के मार्क्स होते हैं, 1 नंबर हो गया इसको वर्किंग नोट बनाने का। और इसमें ये नहीं है कि आपको डिटेल में लिखना होता है, इतना सा लिख दिया, सेक्शन में नहीं आता तो आप लिख दो एज पर प्रोविजन्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कैश एक्सीडिंग रुपीज 10,000 डिसअलाउड, ऐसे लिखना होता है, ये जरूर बनाने होते हैं, ये आपको जरूर बनाने होते हैं नोट्स, काफ़ी सारे नोट्स बनते हैं, और भी नोट्स बनते हैं एज पर सेक्शन 35 साइंटिफिक एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज डिडक्शन, तो सारे नोट्स ऐसे बनते हैं, एक एक लाइन में बनाने, आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, और ये बनाने जरूरी होते हैं प्रोविजन वाले नोट्स। अब बनाओगे कहाँ ये बताता हूँ मैं आपको, बनाने जरूरी हैं, बनाओगे कहाँ, तो देखो कैलकुलेशन वाले नोट्स तो आप बनाओ इन स्टार्टिंग, कहाँ बनाने, इन स्टार्टिंग, और प्रोविजन वाले इन एंड, एंड में बनाना। वैसे आजकल इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन में मिड में बना देता है, मतलब क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बना देता है, जैसे जैसे लिखा उसने कैश पेमेंट लिखा, डिसअलाउड किया, 20,000 एडबैक किया, वही बना दिया, ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन इन एंड बनाना सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट इन एंड बनाना रहता है, क्योंकि मेन आंसर की में एंड में बने हुए होते हैं प्रोविजन वाले नोट्स, प्रोविजन वाले नोट्स हमेशा एंड में बनाने, और आईडीटी में तो हमेशा एंड में बनाने, और डीटी में भी आपको एंड में बनाने, और कैलकुलेशन वाले जो नोट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग में बनते हैं, कैलकुलेशन वाले स्टार्टिंग में बनते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, इसको हमेशा याद रखना, आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, यही मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपी में दिखाया था, और ये सब चीज़ें मैंने पहले ही एनालिसिस की थी, और मेरे को पढ़ने से ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में लगा था, मतलब जब मैंने पढ़ाई की थी सीए फाइनल की, मेरे को था कि मेरे को रैंक लानी है, स्टार्टिंग में तो इतना ही था कि रैंक लानी है, बाद में स्टार्टिंग स्टार्टिंग किया था तो पास होना है कि बहुत ग्रुप, फिर थोड़ा किया फिर लगा कि हाँ रैंक आ सकती है, रैंक लानी है, फिर लास्ट में जब ऐसी सिचुएशन आ गई पता चल गया कि हाँ अब तो अच्छी रैंक लानी है, और जब मॉक टेस्ट दिए तो लगा कि अब तो फर्स्ट रैंक लानी है, तो वो इसी अकॉर्डिंग आई थी, तो मैंने पहले एनालिसिस किया था पूरा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करी, बिना एनालिसिस करे पढ़ाई नहीं कर सकते आप, जैसे क्या बोलते हैं यूपीएससी होता है, यूपीएससी यूपीएससी वालों से किसी से पूछना, ये पहले एनालिसिस करते हैं, ये पहले पास्ट पेपर देखते हैं, आज तक के सारे पास्ट पेपर, पास्ट आंसर देख, पास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी में, एमसीक्यू के मतलब प्रीवियस वाले में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उस अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किसी का भी वीडियो देख लेना आप यूपीएससी पे, यही करता है, ये करना जरूरी होता है, तो ऐसे ही सीए में करो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, या किसी भी एग्जाम में करो, पता चलता है आपको कि इंस्टीट्यूट की मंशा क्या है, आपको पूरी मंशा पता चल जाती है, पहले क्या मंशा थी अब क्या मंशा है, मेरे को पता चली थी ऑडिट में पहले क्या इंस्टीट्यूट की मंशा थी, मतलब 15 साल पहले की मैं बात बात करूँ इंस्टीट्यूट की, 2005 से 2010 के बीच में इंस्टीट्यूट ऑडिट में बड़े बड़े आंसर पूछता था, 10-10 नंबर वाले, एक लाइन देता था और 10-10 नंबर वाले, आपने पीएम भी देखे होंगे बड़े बड़े आंसर, वो पुराने जमाने के आंसर है, वो आज आज नहीं आएंगे, वो पुराने जमाने के क्वेश्चन है कि एक लाइन का क्वेश्चन है और 2 पेज का आंसर है, वो 10-10 16-16 नंबर की पूछता था इंस्टीट्यूट, ऑडिट ऑफ बैंक का एक क्वेश्चन पूछता था, एक लाइन का क्वेश्चन और 16 नंबर का बड़ा सा 2 पेज का आंसर, ऐसे ऐसे आंसर पूछता था पहले, फिर इंस्टीट्यूट थोड़ा चेंज हुआ, फिर थोड़ा चेंज हुआ, वो पूरा पता चल जाता है आपको, तो उसके लिए पूरा एनालिसिस करना होता है, ये एनालिसिस क्वेश्चन देख के, पीएम देख के, ये सब इंस्टीट्यूट की बुक देख के होगा, अगर ऐसा सोचो आप किसी टीचर की बुक देख के आप कर सकते हो तो नहीं कर सकते, टीचर वाले चेंज कर देते हैं आंसर, ओनली मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट की बुक देख के कर सकते हो आप, इंस्टीट्यूट की बुक, आईसीए की, एसएम, पीएम, पास्ट पेपर, एमटीपी, सजेस्टेड सब देखना पड़ेगा आपको, तो हो सकता है ये आपको तैयार मिल रहा है, ये करना आपको ज़रूरी है।
तो ये एनालिसिस आपके लिए ज़रूरी होता है। कोई नहीं करता ये कि ऐसे काम, ऐसे सजेस्टेड, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन दे। तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है अगर आपको मार्क्स चाहिए तो। और अगर आपको चेक करना है कि इस तरह से प्रेजेंटेशन, आप एक बार इंस्टीट्यूट का पूरा एनालिसिस कर लेना। टाइम ज़रूर लगता है उसमें, महीने लगेंगे, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा कि 1-2 दिन में हो जाएगा, काफ़ी सारे महीने लगते हैं तब जाके ये होता है। जो मैंने ऐसे बनाया था ऑडिट में नोट्स, वो उसी अकॉर्डिंग बनाया था, वो पूरा ऑडिट प्रोनाउंसमेंट का एनालिसिस करना पड़ा था। तो 2 या 3 महीने लगे थे मुझे। आर्टिकलशिप चलते चलते 2-3 घंटे पढ़ाई हो पाती थी, और 1-आध घंटा मान लो आर्टिकलशिप में खाली बैठे रहे कभी कभी, तो वहाँ निकाल लेते थे टाइम नेट पर सर्च करके। तो ऐसे कर करके 3-4 घंटे निकाल के वो बना था। देखो सिर्फ एक कैटेगरी से पास होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक कैटेगरी 70 मार्क्स की आती है। अब एक कैटेगरी आपकी इतनी स्ट्रांग है कि आप 70 में से 50 समर स्कोर कर लो, बताओ आप। इतनी स्ट्रांग अगर आई एक कैटेगरी तो पास हो सकते हो, और 10-15 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते। क्या पता एक कैटेगरी 80-85 नंबर की आ जाए, क्या पता 60-65, ज़्यादा नहीं होंगे, 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, 10-5 नंबर, ज़्यादा भी आ सकती है 90 नंबर की चली जाए, लेकिन जितना दे रखा है वो एक एवरेज दे रखा है, 90 तक भी जा सकती है। तो एक कैटेगरी तो कर लो और बी कैटेगरी को कवर करने का ट्राई करो। मैंने ये नहीं बोला बी कैटेगरी पूरी कवर करो, बी कैटेगरी के खाली क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बी कैटेगरी के खाली क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बी कैटेगरी के खाली क्वेश्चंस भी कर लोगे ना आप, तो भी आपका काम पूरा चल जाएगा। अरे मैंने बोला ना पहला सीए एग्जाम्स, ये स्ट्रेटेजी आप इंटर के लिए करो, फाउंडेशन के लिए करो, फाइनल के लिए, सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है इंटर में अलग स्ट्रेटेजी होती थी, इंटर में वर्किंग नोट पहले बनाएंगे, फाइनल में बाद में बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये स्ट्रेटेजी सभी के लिए है। अरे लास्ट वन डे वाले अप्रोच के वीडियो अलग से आ जाएंगे, वो एग्ज़ाम अभी आपका पता तो होना, कब होगा एक बार एग्जाम का कन्फर्म हो कि हाँ ये एग्ज़ाम है, 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आने दो, उसके बाद वो वीडियोज़ आ जाएंगे, उसके बाद वीडियोज़ आ जाएंगे कैसे कैसे मैनेज करना है, 15 मिनट कैसे मैनेज करनी है, सब्जेक्ट से पहले 1.5 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, सब आ जाएंगे वो वीडियो, उसकी आप टेंशन मतलब। अभी आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अब मुझे नहीं पता नोटिफिकेशन वगैरह का यहाँ पे। देखो एएमए के क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सारे करवा रखे हैं, आप देख लो, वीडियोस मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कुछ क्वेश्चंस बता देना, मैं करवा दूंगा किसी दिन। देखो आईपीसीसी का एनालिसिस बनाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आईपीसीसी में कोई सब्जेक्ट पढ़ाता नहीं हूँ मैं, सीए फाइनल की पढ़ाता हूँ, तो उनमें एनालिसिस मैंने बना लिया, कुछ सब्जेक्ट मेरे को पता थी और फिर मैंने उनको एनालिसिस किया। अजय से बनवा लिया, अजय जो पढ़ाता है उनसे, उनका अजय से बनवा लिया था मैंने। और फाइनल की तो क्या बोलते हैं, इंटर की सब्जेक्ट मैं पढ़ाता नहीं हूँ, तो उसके लिए मेरे को पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं आपको हवा में नहीं बता सकता कि ये कर लो ये कर लो, पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, पुराने सारे पेपर्स मेरे को निकाल के देखने पड़ेंगे, तब जाके बनेगा। तो अभी इंटर का मैं कंफर्म नहीं कह सकता कब आएगा, वो तो नहीं बता सकता आपको। अभी आप प्रेजेंटेशन पे फोकस करो, आप प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इस पर देखते हैं अपन। तो वर्किंग नोट भी आपने देख लिया, कब कैसे बनाने, कब कैसे बनाने। तो डीटी में, डीटी आईडीटी में दो तरह के वर्किंग नोट होते हैं, बाकियों में नहीं होते, बाकियों में कैलकुलेशन वाले ही होते हैं, ये आपको पता है, ये आपको पता है, जो मैंने ऊपर बताया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन कौन सी है, एएमए, एससीएमपी, एफआर और एसएफएम। कभी भी प्रोविजन वाले कोई वर्किंग नोट नहीं होते इनमें, इनमें मेनली कैलकुलेशन वाले वर्किंग नोट होते हैं। और एक लोग कुछ पूछते हैं एएमए और एससीएमपी, ओनली इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एएमए एससीएमपी की फॉर्मूला के नंबर होते हैं क्या, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं क्या, फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं क्या, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले हैं। ये ओनली सीए फाइनल की बात है, एएमए एससीएमपी सीए फाइनल मैं क्लियर कर दूँ कि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं क्या, कोई मार्क्स नहीं होता फॉर्मूला का। अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला लिख दोगे SR - AR इंटू AH, SH - AH इंटू SR, कोई मार्क्स नहीं है उसका। तो यहाँ मत सोचना कि फॉर्मूले रटने से मार्क्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पे। फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं होते क्योंकि आंसर इतने बड़े होते हैं, फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं होते एएमए एससीएमपी में। लेकिन एक्सेप्ट ईवीए, एक ईवीए का कंसेप्ट है एससीएमपी में, एएमए में नहीं है, एससीएमपी में, उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, EVA ROI। ये चैप्टर 8 में दे रखा है एक कंसेप्ट, उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो SFM का फॉर्मूला है, वो एक तरीके से SFM का कंसेप्ट यहाँ चेप दिया आपको, तो वो आपको करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा EVA ROI वाला। तो उसके मार्क्स हैं, बाकी कोई फॉर्मूले के मार्क्स नहीं होते, बाकी फॉर्मूले आप स्किप कर सकते हो।
हाँ, एक CFS का लोग पूछते हैं अलग बनाया तो मार्क्स कट होंगे। देखो आपने बिल्कुल ही अलग कर दिया, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे बिल्कुल अलग करते हैं प्रेजेंटेशन, मैंने काफ़ी सारी बुक्स देख रखी हैं उनकी, बिल्कुल ही अलग प्रेजेंटेशन करते हैं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको जितना हो सके इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन फॉलो करना है, क्योंकि कॉन्सोलिडेशन में अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं अपन, उनसे मार्क्स नहीं मिल सकते आपको। इंस्टीट्यूट ने जब तरीका बताया उसी से करना है, चाहे आंसर सेम आ रहा हो फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये दिक्कत है CFS में, ये दिक्कत है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। गुडविल निकालने के 3 तरीके हैं और इंस्टीट्यूट एक फॉलो करता है, आपको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। SFM देखो, अजय से पूछना, मेरी सब्जेक्ट नहीं है SFM, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछना आप। अरे इसका में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, इसका में कुछ भी आ जाता है, इसका में मत करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे नोट्स कर लो, इसका में काम चल जाएगा उससे। SCMP DT IDT में मैंने कब बताया आपको, क्या बोला स्टार्टिंग में ही, कोई लाइन ही नहीं बनानी, तो आप स्केल से कौन सी बनानी है? जब मैंने बोला लाइन ही नहीं बनानी तो स्केल से क्यों बनाओगे? ये स्केल से बनाने वालों को तो पेपर बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं होता, इनका तो 60 नंबर का ही अटेम्प्ट होता है। तो स्केल से बना के आपको किसको लाइन दिखानी है? कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं बनानी। अगर कोई बोलता है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई बोलता है कि लाइन बनाने से मार्क्स मिलते हैं, स्केल से लाइन खींचने से मार्क्स मिलते हैं, जैसे मैं लेता हूँ स्केल, यहाँ पे स्केल का कुछ है दे रखा है, तो पता नहीं स्केल का यहाँ दे रखा, ऑप्शन नहीं दे रखा इसमें, शायद ये दे रखा। तो ऐसे लाइन खींचने से मार्क्स मिलेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे बस आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी दिखेगी, लेकिन इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये हो गई आपकी स्केल वाली लाइन, बस दिखने में अच्छी लगती है ये, मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे इससे मार्क्स वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे आपको, ये भूल जाना आप। एक्स्ट्रा मार्क्स, आप सोचते हो एक्स्ट्रा मार्क्स, कुछ नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, या कोई अगर आप नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। कीवर्ड्स रिवाइज करो, रिवाइज करने से याद हो जाएंगे आपको। तो देखो AIR1 भी मेरी आई है, एडवाइस अलग है, तभी तो AIR1 आई है। ये बातें कहीं नहीं पता चलेंगी आपको, ये बातें ओनली AIR1 वालों को ही पता है बस, ये स्पेशल बातें होती हैं, जो भी रैंक वन आते हैं उनसे पूछना आप, ये सारी बातें उनको पता है। हाँ एक दो बातें हो जाती होंगी, एक दो बातें उनको भी पता नहीं होती होंगी, जैसे मेरे को भी पता नहीं था कोस्टिंग का, अब उसी का डिस्कस करूंगा मैं, AMA का, AMA SCMP। ये बात मेरे को रिजल्ट के बाद पता चली, जब मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी आई, सर्टिफाइड कॉपी आई ना, तब मेरे को पता चली। अभी भी मेरे को एक बात नहीं पता, वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्या बात नहीं पता, लो के रिगार्डिंग, कंपनी लो या अलाइड लो है उसके रिगार्डिंग की बात नहीं पता, क्या कि उसकी कॉपी में कुछ चेकिंग वगैरह का फ़र्क होता है वो पता नहीं मेरे को, बाकी सारी चीज़ें मेरे को इनकी प्रेजेंटेशन की रिगार्डिंग तो सारी पता है, इनकी क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं। अब AMA SCMP की जो बात मेरे को पता चली वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो सबसे बड़ा पेपर आता है इसका AMA SCMP। देखो SCMP तो फिर भी अटेंड हो सकता है, लेकिन AMA का पेपर कोई भी अटेंड नहीं कर सकता, कोई भी अटेंड नहीं कर सकता, चाहे 10 रिविजन कर लियो आपने, 10 रिविजन कर लियो तो भी आप अटेंड नहीं कर सकते, इतना बड़ा पेपर आता है। कोई भी अटेम्प्ट को उठा के देख लो आप, किसी भी अटेम्प्ट को उठा के देख लो, 100 में से 99 टाइम्स, 99 टाइम AMA का पेपर लेंदी आया, लेंदी आया, काफ़ी लेंदी, लेंदी भी नहीं काफ़ी लेंदी, मतलब 4 घंटे का पेपर लगता है एक तरीके से वो। तो अब इसको अटेंड कैसे किया जाए, देखो इसमें, देखो मैं बताता हूँ आपको, लाइन तो बिल्कुल नहीं खींचनी है AMA SCMP में आपको, वो तो पता ही है, वो तो मैंने बता दी कॉमन बात। अब देखो एक चीज़ मेरे को कब पता चली, कब, जब मेरे पास सजेस्टेड आंसर आए थे ना, सजेस्टेड क्या बोलते हैं, मेरी सर्टिफाइड कॉपी आई थी AMA की, SCMP की, AMA की कॉपी आई थी मेरे पास, और अजय की कॉपी आई थी, तो उससे पहले तो मेरे को पता चली गई थी। तो मेरे AMA में मार्क्स कम आए थे, 71 मार्क्स आए थे मेरे, और थ्योरी वाले क्वेश्चन में कट गए थे, 16 में से 2 मार्क्स आए थे, क्योंकि पेपर अटेंड नहीं हो पाया, अटेंड तो हो गया था पूरा, लेकिन वो लास्ट वाला क्वेश्चन तो हवा में अटेंड हुआ था, और थोड़े बहुत थ्योरी भी कम ही आती थी मेरे को, लास्ट वाले क्वेश्चन नहीं आया था थ्योरी का, और प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन आता था मेरे को 16 नंबर का, लेकिन वो कर नहीं सकता था मैं, कर क्यों नहीं सकता था, टाइम ही नहीं था, 5 मिनट बचे हुए थे, 5 मिनट में अब थ्योरी अटेंड करूंगा मैं, प्रैक्टिकल कहाँ से अटेंड करूंगा, AMA का क्वेश्चन, वो भी क्योंकि डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था उसमें, तो अटेंड होने का बिल्कुल ही चांस नहीं था कि 5 मिनट में कर दूंगा, और एक कोई दूसरे सिमुलेशन वगैरह का क्वेश्चन था। तो मैंने क्वेश्चन 7 चुना और 5 मिनट में इतनी क्वालिटी आ पाई। अगर मैं प्रैक्टिकल वाला अटेंड करता तो मेरे को 16 में से 16 मिलते, लेकिन उसके लिए मेरे को कम से कम 40 मिनट चाहिए थे, 5 मिनट मेरे पास थे, 40 मिनट मेरे को चाहिए थे, 16 में 16 मिलते तो मेरे लगभग 85 मार्क्स आ जाते उस अटेंड में। वैसे हाईएस्ट कोस्टिंग में 78 आए थे मेरे, 71 आए थे, हाईएस्ट 78 आए थे, गोल्ड मेडल 78 में मिला था, कोई रैंक 3 था शायद, कोई था या रैंक 2 था,
तो अब मैं बात करता हूँ क्या गलती हुई थी, पता कब चला था, जब कॉपी आई थी। देखो अब मैं एक एबीसी का क्वेश्चन लेता हूँ, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग का। आप तीन प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू, प्रोडक्ट आर। देखो मेरी बाकी मार्क्स के अकॉर्डिंग वो कम थे, बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उस वाले में, क्योंकि ओडीटी जैसे में 83 आ गए थे लेकिन एएमए में कम आ गए थे, जबकि एएमए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ओडीटी तो पूरा थियरी है। अब देखो ये प्रोडक्ट पी क्यू और आर, एबीसी कोस्टिंग मैं लिखता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल मेरे को पता था, डीएम लिख सकते हो आप, डीएम लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लेबर को डीएल लिख सकते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह डीई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ये लाइन में बताना भूल गया ऊपर, तो शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़ शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो। डीएम, डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डीएल डायरेक्ट लेबर, सभी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं बोल रहा खाली कोस्टिंग में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो, थियरी में यूज़ नहीं कर सकते इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अभी मैं प्रैक्टिकल का डिस्कशन कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया सबसे पहले प्रैक्टिकल का डिस्कशन कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ये आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं अपन डीएम डीएल। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल लिखा मैंने पी क्यू और आर का, पी की 1000 यूनिट्स थी और जो 1000 यूनिट्स का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा था और रेट थी मान लो 50, क्यू में लग रहा था 5000 यूनिट का और रेट थी 50, इसमें लग रहा था 4000 यूनिट का और रेट थी 50, ये मान लो आप इंटू करके निकालो कितना आया, 50,000, 50 × 50, 5,000 करोगे 2.5 लाख और 2 लाख, ये मैंने लिख दिया इसमें। ऐसे ही मैंने लेबर का लिख दिया, ये ब्रैकेट भी दिखाए मैंने, कैलकुलेशन वाले कैलकुलेशन किए ना मैंने इंटू करके, ये क्वेश्चन में नहीं दिखा रखा था, क्वेश्चन में तो ये दिखा रखा था 1050, ये दिखा रखा था, ये मैंने कैलकुलेशन करके इंटू करके दिखाई। तो अब मैं ये दिखाता हूँ, देखो ये लिखता हूँ कितना टाइम वेस्ट होता होगा इसमें। ये सब मैंने डीएम का लिखा, डीएल का भी लिखा होगा मैंने और बाकी चीज़ों का भी लिखा होगा, पोस्टिंग में पूरी पेपर में आते हैं ऐसी चीज़ें, तो बाकी सब चीज़ों का लिखा होगा, कितनी सारी चीज़ों का लिखा होगा, कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा मेरा इसमें, कम से कम 15 मिनट आराम से वेस्ट हुई होंगी मेरी, सब क्वेश्चन में लिखा मैंने, सब क्वेश्चन में, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है इसके, खाली ये फिगर लिखनी है आपको, खाली ये फिगर लिखनी है, मतलब ये कैलकुलेशन करते हो ना छोटी कैलकुलेशन कोस्टिंग में, कोई मार्क्स नहीं होते, कोई मार्क्स नहीं होते। दूसरा फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं होते, ये भी मेरे को नहीं पता था, ये मेरे को बाद में पता चला, फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं होते। और ये छोटी कैलकुलेशन करते हो ना आप, ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर किसी भी चीज़ की करते हो, इंटू करके छोटा छोटा दिखाते हो, कोई मार्क्स नहीं होते इनके, इनके कोई मार्क्स नहीं होते। कैलकुलेशन देखो, एक तो बड़ी कैलकुलेशन होती है वो तो शो करनी होती है, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको शो नहीं करनी होती, ये छोटी मोटी कैलकुलेशन होती है ना, ये ब्रैकेट में दिखाते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशन अपन करके दिखाते हैं, कोस्टिंग में तो हर क्वेश्चन में आती है ऐसी कैलकुलेशन, ये शो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये शो करने में देखो कितना टाइम वेस्ट होगा, लिखोगे आप एक तो कैलकुलेटर करोगे फिर लिखोगे भी, इसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना आपका, तो ये शो नहीं करनी थी। और इसी चक्कर में मैंने 20 मिनट मेरे बर्बाद किए पूरे पेपर में, 15-20 मिनट बर्बाद किए, अगर ये बर्बाद नहीं करता तो मेरे पास टाइम होता पेपर करने का, और ये मैंने हर क्वेश्चन में किया, हर क्वेश्चन में मैंने किया, इस कारण मेरे पास टाइम कम बचा। ये गलती मेरे को बाद में पता चली थी, तब तक पता नहीं थी मेरे को, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया तो इस चीज़ छूट गई थी, कोई पता ही नहीं चल पाया था, क्योंकि कोई मेरे पास मेन एग्जामिनर की इसकी कॉपी नहीं थी कोस्टिंग की, पहले की बाकियों की तो कहीं ना कहीं कहीं कैसे मेरे को मिल गई थी, लेकिन कोस्टिंग की नहीं मिल पाई थी कि कैसा सजेस्टेड आंसर जाता है मेन एग्जामिनर के पास, कि किसके मार्क्स होते हैं, तो ये पता नहीं थी ये चीज़, तो ये चीज़ छूट गई थी। एस एफ एम में एप्लीकेबल नहीं है ये, एस एफ एम का पेपर इतना लेंदी नहीं आता, ये कोस्टिंग में एप्लीकेबल है, वो कोस्टिंग में क्यों एप्लीकेबल है, एस एफ एम में तो आप करना कैलकुलेशन, तो वो आप करना कैलकुलेशन, वो आप एस एफ एम वगैरह में करना, मैं खाली कोस्टिंग की बात कर रहा हूँ, एस एफ एम एफ आर का पेपर इतना लेंदी नहीं होता। हाँ ओल्ड कोर्स का एफ आर का कभी कभी लेंदी आ जाता है, उसमें भी आप ये तरीका कर सकते हो, ये फालतू कैलकुलेशन छोड़ दो, इनके मार्क्स नहीं होते। मैंने सब क्वेश्चन में किया, अगर ये नहीं करता तो 15-20 मिनट ऐसे सेव हो जाते, ये आपको मैंने बता दिया, तो इसको ज़रूर अप्लाई कर लेना, काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है इससे। गुडविल का बता दूंगा मैं क्या करना है उसका, मैं बता दूंगा। देखो गुडविल वाला मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, गुडविल वाला जो चैप्टर है एफ आर में ओल्ड कोर्स में, उसमें इंस्टीट्यूट ने अलग अलग तरीक़ों से कर रखा है, अलग अलग तरीक़ों से कर रखा है। देखो उसका तरीका क्या है, पी एम के क्वेश्चन कर लो एक तो, या तो पी एम के क्वेश्चन कर लो आप, पी एम के क्वेश्चन में याद कर लो इस क्वेश्चन में ये कर रखा है इसमें ये, मैं बस उस चैप्टर में बोल रहा हूँ याद कर लो, क्योंकि उस चैप्टर में इंस्टीट्यूट हमेशा वही तरीका फॉलो करता है, अगर वो क्वेश्चन उस वैरायटी का तो वो टाइप कर दिया, लेकिन अगर मान लो
सेम वैरायटी के क्वेश्चन है, पीएम में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं सेम वैरायटी के क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने 3 एक तरीके से कर रखे हैं, 2 अलग तरीके से कर रखे हैं। तो जो 3 तरीके से जो कर रखे हैं, मतलब मेजोरिटी में जो कर रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, आप वो तरीका फॉलो करो अगर सेम वैरायटी का क्वेश्चन है तो, और अगर अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है तो जैसे इंस्टीट्यूट ने कर रखा है वैसे ही वैरायटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप एक तरीका फॉलो नहीं कर सकते गुडविल वाले में, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उस चैप्टर में, काफ़ी याद करना पड़ेगा उसमें आपको। लेकिन सेम वैरायटी के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अलग तरीके से कर रखे हैं, 10 क्वेश्चन दे रखे हैं मानो सेम वैरायटी के, 5 एक 8 एक तरीके से, 2 एक तरीके से, तो 8 वाला तरीका फॉलो करो, 2 वाला मत करो, उन 2 क्वेश्चन में भी 8 वाला तरीका फॉलो कर लो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा हो 5 एक तरीके से, 5 एक तरीके से, फिर कोई भी फॉलो करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में वो उल्टा सुलटा घुमाता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है। आरएम की देखो क्या स्ट्रेटेजी बताऊँ, आरएम अजय से पूछना आप, आरएम उसकी सब्जेक्ट है, बाकी आरएम में ओपन बुक होता है, एक बार ये पेपर देख लेना उसका, तो प्रेजेंटेशन आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आरएम का जो सजेस्टेड आंसर उतारा है ना वो उसमें पूरा कॉपी पेस्ट है, मतलब कॉपी पेस्ट क्या है उसमें पूरी वो दे रखी है, मार्किंग पैटर्न दे रखा है, एक उसमें मार्किंग पैटर्न दे रखा है, वो देख लेना एक बार आप। अरे डी टी आई डी टी का मैंने बता दिया, आप थोड़े पीछे जाके 15-20 मिनट पीछे जाके वीडियो देखो, डी टी आई डी टी का मैंने बता दिया, बड़े वर्किंग नोट कैसे लिखे, वर्किंग नोट कैसे लिखे, डी टी आई डी टी का मैंने बता दिया, आप थोड़ी पीछे जाके वीडियो देखो, वर्किंग नोट कैसे लिखने हैं आपको, अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं डी टी आई डी टी में, प्रोविजन वाले, उनकी लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी होती एज इट इज। कुछ लोग तो रूल वगैरह लिखते हैं एज पर रूल दिस ऑफ दिस आई डी टी के रूल, आई डी टी में इतने सारे रूल होते हैं पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं, ये तो मुझे भी अचंबा होता है कि रूल वगैरह कैसे याद कर लेते हैं कुछ लोग, कि रूल नंबर वगैरह भी याद कर लेते हैं लेकिन उसे कोई मार्क्स नहीं मिलते एक्स्ट्रा, लेकिन पता नहीं याद कैसे करते हैं, वो तरीका आज तक पता नहीं चला मुझे तो। हाँ मुझसे डीटी के सेक्शन याद हुए थे क्योंकि डीटी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में करी थी, आर्टिकलशिप में करी थी डीटी, और डीटी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट थी इंटर में, एक डीटी सबसे पसंद आती थी मेरे को, तो उसके सारे सेक्शन मेरे को याद है, A to Z सेक्शन याद है डीटी के, लेकिन आईडीटी का एक भी सेक्शन याद नहीं है मुझे, सेक्शन कौन सा क्या है, 11 क्या है, 12 कुछ भी याद नहीं है आईडीटी का, और लो के तो कुछ सेक्शन स्टार्टिंग के अपने आप याद हो गए थे डायरेक्टर वाले, बाकी बाद के कुछ भी याद नहीं है, लेकिन डीटी के सारे याद है मुझे। फिर भी मैंने डीटी में कुछ चीज़ों में सेक्शन लिखे नहीं थे, डीटी में सेक्शन सब सेक्शन सब याद है डीटी में, क्योंकि जब आपकी आर्टिकलशिप होती है ना तो उसमें पूरा काम आ जाती है डीटी अच्छे से। इंटरनेशनल टैक्सेशन मेरे केस स्टडी का क्वेश्चन बैंक है, वो कर लेना पूरी केस स्टडी है उसमें, वो आप कर लेना। और इलेक्टिव में देखो सेम केस स्टडी तो आने से रही, सेम केस स्टडी इंस्टीट्यूट कभी नहीं देगा कि सेम ही दे दे आपको, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अभी तक इंस्टीट्यूट ने लगभग 30 केस स्टडी दे रखी हैं, जितनी भी दे रखी हैं आरटीपी एमटीपी सब मिला के, आरटीपी में नहीं आती, एमटीपी पास्ट पेपर वगैरह में मिला के, तो सेम तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पे, नहीं करनी है, अपने मन से लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो मार्किंग पैटर्न इंस्टीट्यूट ने आरएम का दे रखा है वो देख लो आप, बाकी अगर आपका किसी एग्जामिनर मतलब कोई जो कॉपी चेक करता है किसी से उससे जानकारी है तो उससे ले सकते हो, वैसे कुछ गलत नहीं है, आपको नेट पे भी मिल जाएंगे एक आधे, तो एक दो पुराने मिल जाएंगे आपको, तो उससे ले सकते हो आप, देख सकते हो कि कैसे मार्किंग पैटर्न होता है, मार्किंग पैटर्न देखना गलत नहीं है, बाकी सारे इंस्टीट्यूट देते हैं मार्किंग पैटर्न, तो मार्किंग पैटर्न देखना गलत नहीं है, आप दूसरे इंस्टीट्यूट का भी देख सकते हो, सेम अपना वाला भी वही फॉलो करता है, अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट का देखोगे मार्किंग पैटर्न, तो मार्किंग पैटर्न आप दूसरे इंस्टीट्यूट का भी देख सकते हो, CMA सब में दे रखा है मार्किंग पैटर्न सेम अपने जैसा, सब एग्जाम में सेम ही मार्किंग पैटर्न फॉलो होता है, सब एग्जाम में सेम मार्किंग पैटर्न फॉलो होता है। अरे यार मेरा एग्जाम थोड़ी ले रहे हो, 144A कौन सा है, 144A अपना वो वाला है ICDS वाले जो बता रखे हैं ना, वो पॉइंट्स बता रखे हैं उसमें, वो 145 है, 144A अपना एक सेक्शन आता है 144 में जो होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, उसी का पार्ट है, और 144C उसमें आता है एक, वो आता है उसमें DR डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का 144C, मैं आपको पूरी लाइन बता दूँ इसकी, 144A B C इनकी, तो DRP 144C है, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें, ये मैंने आपको बता दिया कि छोटी कैलकुलेशन AMA SAMA में आपको नहीं दिखानी, फालतू होती है बिल्कुल, ये लास्ट चीज़ थी जो मेरे को बतानी थी इसमें, ये आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैंने डिटेल में बता दी। अरे इंटर और फाइनल सबके लिए सेम है ये, प्रेजेंटेशन टिप्स और प्रेजेंटेशन टिप्स थोड़ी अलग अलग होंगी, इंटर फाइनल सभी के लिए सेम ही है,
एक ये मैंने बता दिया आपको एएमए में, एक टेबल तो बिल्कुल नहीं बनानी एएमए में, भूल के भी मत बना लेना टेबल वगैरह। हाँ एक आपने पूछा था ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट। देखो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट वाले में तो टेबल वगैरह बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइन्स खींचनी होती है आपको तो टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में टेबल बनानी पड़ जाती है अपन को। क्यों बनानी पड़ जाती है? वहाँ पर अंदर ब्रैकेट वगैरह बनाते हैं, याद हो आपको, ब्रैकेट वगैरह बनाते हो आप भी, तो ब्रैकेट वगैरह बनाने पड़ जाते हैं, तो बिना टेबल के वो अजीब से लगते हैं। कर सकते हो बिना टेबल के भी, लेकिन वो अजीब से लगते हैं, तो उसमें टेबल बना सकते हो आप, तो वो अजीब से लगते हैं, इस कारण उसमें आपको करने पड़ते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में आपको कैसे वो बनानी है टेबल में बता देता हूँ। तो इनमें टेबल वगैरह बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब आपको सारे बॉक्स बनाने हैं क्या? आप ये पूछते हो सारे बॉक्स बनाने हैं क्या आपको, कि सारे बॉक्स वगैरह जो भी बनाते हो आप, जो बनाते हो वो तो सारे बनाने हैं नहीं बनाने? तो देखो ये तो है कि उनमें बॉक्स के मार्क्स होते हैं, जितने बॉक्स होते हैं बॉक्स के अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन कोई फालतू बॉक्स है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा मोटा बॉक्स है वो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जैसे मान लो आप टेबल ऑपरेशन करते हो, क्या बोलते हो उसमें, रो ऑपरेशन करते हो, फिर कॉलम ऑपरेशन करते हो, ये तो मेन होते हैं, ये करने पड़ते हैं, ये दिखाने पड़ते हैं आपको उसमें। लेकिन कोई फालतू चीज़ एकदम, कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तो क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख देते हैं पहले, ये क्वेश्चन की डिटेल लिख दी, मतलब क्वेश्चन जो दे रखा है ना उसको कॉपी कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन या असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया, वो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जो रो ऑपरेशन हुआ, कॉलम ऑपरेशन हुआ, ये आपको करने पड़ते हैं। अब इसके लिए भी बड़ी बड़ी लाइन लिख रही है, जैसे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आप करा आपने रो ऑपरेशन, रो ऑपरेशन मतलब रो ऑपरेशन होता है एक, फिर एक होता है कॉलम ऑपरेशन, बस इतना सा लिखना होता है आपको। ऐसे नहीं कि स्टेप वन स्टेप टू फिर उसमें लाइन लिख रहे हो दो दो लाइन, ऐसा नहीं करना होता, बस इतना सा लिख दिया, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन, फिर तीसरा जो भी करना था उसका एक वर्ड लिख दिया, फिर चौथा जो करना था उसका एक वर्ड लिख दिया, इन लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते। और स्टार्टिंग में जो आप स्टार्ट करते हो तो आप पहले क्वेश्चन उतार देते हो, उसमें क्वेश्चन में जो दे रखा होता है, जो टेबल दे रखी होती है वो टेबल उतार देते हो, वो टेबल उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाली टेबल उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वाली टेबल उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ एफ आर वर्ड में मेन और सफिशियंट है, ये मैंने बता दिया आपको, टेबल ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया इसमें। अब आते हैं अपन नीचे, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट का मैंने बता दिया आपको कि क्या इसमें टेबल ऑपरेशन रो ऑपरेशन क्या दिखाना है। एक है दिक्कत पार्ट सीपीएम में, पार्ट में आप वो बनाते हो, एक डायग्राम बनता है पार्ट में, क्रिटिकल पाथ जिसको अपन बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। तो क्रिटिकल पाथ आप पेन से मत बनाना, क्योंकि पेन से बनाओगे ना तो गलत होने के ज़्यादा चांस होते हैं, उसको पेंसिल से बनाना, और उसको ये मत करना बाद में पेन फेर दो, पेंसिल से बनाओगे कोई दिक्कत नहीं, उसको पेंसिल से बनाओगे ना क्रिटिकल पाथ को भी, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे उसके, एक नंबर होता है क्रिटिकल पाथ का, क्रिटिकल बात आता है ना उसमें बनाना पड़ता है, फिर पार्ट सीपीएम की वैल्यू निकालनी पड़ती है, पार्ट वगैरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है। तो क्रिटिकल पाथ आप जो बनाओ, क्रिटिकल पाथ आप जो बनाओ उसको पेंसिल से बना लेना, पेन से तभी बनाना अगर आपको श्योरिटी हो कि आप ठीक बना रहे हो, क्योंकि ऊपर नीचे लाइनें होती है उसमें, दिक्कत आ जाती है, गलत बन जाता है, फिर वो बार बार काटते रहते हो आप, टाइम वेस्ट होता है, तो पेंसिल से बना देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है क्रिटिकल पाथ को, पेंसिल से बनाओगे तो भी चल जाएगा। एक ये चीज़ है, इसमें भी आप थोड़ा टाइम सेव कर सकते हो, थोड़ा टाइम सेव इसमें भी कर सकते हो, बस यही चीज़ें हैं कोस्टिंग में जिसमें आप टाइम सेव कर सकते हो। जो मैंने स्पेशल नोटिस करी वो ये चीज़ थी सबसे ज़्यादा, ये 15-20 मिनट आपकी बचा देगी, कम से कम 15-20 मिनट आपके बच जाएंगे इसमें, और 15-20 मिनट काफ़ी सफिशियंट होते हैं, 15-20 मिनट ये बचा देगी। शॉर्ट फॉर्म यूज़ करो, 2-4-5 मिनट इसमें बच जाएंगे आपकी। टेबल वगैरह बिल्कुल मत बनाओ, टेबल वगैरह ग्राफ वगैरह चार्ट्स वगैरह कुछ मत बनाओ, 4-5 मिनट आपके उसमें बचेंगी, तो आराम से 30-40 मिनट आप इसमें बचा सकते हो। फिर भी थोड़ा बड़ा ही लगेगा पेपर, लेकिन फिर भी 30-40 मिनट भी बच गई, 30-35 मिनट भी बच गई ना, वो मोर देन सफिशियंट होती है। 4 घंटे का पेपर एक तरीके से 3.5 घंटे का हो गया ऐसा मान लो। अब आते हैं अपन आगे, थियोरी, थियोरी की बात करते हैं, प्रैक्टिकल की बात कर ली, अब थियोरी की बात कर लेते हैं अपन एक बार। थियोरी में क्या करना है आपको, थियोरी की मैं काफ़ी बार बता चुका, मेरे काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूँ। थियोरी में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले एक थियोरी में एक बात याद रखना, नो शॉर्ट फॉर्म, कोई शॉर्ट फॉर्म मत लिखना थियोरी में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आप सीजी भी लिखते हो ना तो भी गलत बात है, इसमें इंस्टीट्यूट मना करता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना, आप गवर्नमेंट को जीओवीटी कर सकते हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिखना।
ये बात है इसमें, थ्योरी में ओनली थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की नहीं बात कर रहा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप सीजी लिखो, डीटी में सीजी लिखो, डीटी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आती है, लेकिन ये थ्योरी सब्जेक्ट है। जैसे आपकी है और भी थ्योरी है, और मेन थ्योरी है ये क्या बोलते हैं, लॉ वगैरह हो गई, या ऑडिट हो गई, या इसका हो गई, लॉ ऑडिट इसका, ये तीन सब्जेक्ट है फाइनल में। और इंटर में भी लॉ तो है ही, और क्या बोलते हैं ऑडिट भी है ही, और साथ में ITSM है, और फाउंडेशन में भी लॉ है। तो ये सारी सब्जेक्ट है थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी। इसमें शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है आपको, आपको पूरा नाम लिखना है, किसी भी चीज़ का पूरा नाम लिखना है आपको। जो आप सेक्शन को SEC लिख दे हो ना, ये भी गलत है, पूरा सेक्शन लिख देना, पूरा लिखना थ्योरी सब्जेक्ट में। तो आपको थ्योरी में क्या करना है, पूरे फॉर्म यूज़ करने, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करने, थ्योरी में नहीं चलेंगे, प्रैक्टिकल में चल जाएंगे। मैं प्रैक्टिकल में बोल दिया, प्रैक्टिकल में पूरा यूज़ करो, प्रैक्टिकल में पूरा ये चलेगा। अब थ्योरी में देखो तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं हेडिंग वाले, सबकी बात कर रहा हूँ, AMA की थ्योरी, SCMPE की थ्योरी, या आपकी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी थ्योरी, एक हेडिंग वाले, सब में होते हैं तीनों तरीके के, एक पॉइंट्स विदाउट हेडिंग, वही बता रहा हूँ आपको, AI रूम कैसे आई प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ जो मैंने करी थी, हेडिंग पॉइंट्स विदाउट हेडिंग। देखो वो भी मैं बताऊँगा कैसे सेलेक्ट करनी है केस स्टडी, वो बाद में बात डिस्कस करेंगे, पर ये अपन देख लेते हैं। और एक पैराग्राफ, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें वो लास्ट में बता दूंगा मैं एक बार, इसी में पहले अपन ये देख लेते हैं एक बार, थियरी को कवर कर लेते हैं अपन, हेडिंग पॉइंट्स विदाउट हेडिंग और पैराग्राफ। अब इनकी बात करते हैं अपन, देखो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। हेडिंग, हेडिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको हेडिंग दे रखी है, हेडिंग के अंदर तीन तीन चार चार लाइन लिखी हुई है, जैसे आपको दे रखी है बेनिफिट्स ऑफ IT, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ IT, बेनिफिट्स ऑफ IT हेडिंग दे दी। अब हेडिंग में क्या, इसमें अंदर हेडिंग क्या क्या दी, सिंप्लिसिटी, मैं ऐसे मन से लिख रहा हूँ, अभी ये मत सोचना कि बेनिफिट्स होते हैं, ये मन से लिख रहा हूँ मैं। एक दे दिया अवेलेबिलिटी, एक दे दिया मान लो फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपको हेडिंग दे दी बेनिफिट्स ऑफ IT। इनके अंदर डिटेल लिख रखी है, इनके अंदर क्या लिख रखी है, डिटेल लिखी होती है, तीन तीन चार चार लाइन लिखी हुई होती है, किसी में दो लाइन, किसी में तीन लाइन, किसी में पांच पांच लाइन भी लिखी हुई होती है, किसी में आठ आठ लाइन भी लिखी हुई होती है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये होते हैं हेडिंग वाले, इन्हें बोलते हैं हेडिंग वाले, आप समझ गए होंगे हेडिंग वाले किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन हेडिंग वाले। सब में होते हैं, ऐसा नहीं खाली फाउंडेशन में होते हैं या इंटर में होते हैं, फाइनल सब में होते हैं ऐसे क्वेश्चन, लॉ में भी होते हैं, AMA आपको SCMPE में मिल जाएंगे, AMA की थ्योरी में भी मिल जाएंगे आपको, SFM में मिल जाएंगे आपको, सब में मिल जाएंगे ये, ऑडिट में मिल जाएंगे हेडिंग वाले, और इसका में तो सबसे ज़्यादा मिलेंगे ये हेडिंग वाले, सबसे ज़्यादा इसका में होते हैं। इनको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप इनकी हेडिंग, जो हेडिंग है ना ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, एज इट इज मतलब, एज इट इज मतलब बिल्कुल सेम टू सेम होनी चाहिए, आपने थोड़ी सी भी चेंज कर दी, सिंप्लिसिटी को आपने सिंपल भी लिख दिया ना, सिंपल तो भी गलत माना जाएगा, थोड़ा सा भी चेंज कर दिया बिल्कुल आपका क्या बोलते हैं आपका जो व्यू है वो व्यूज बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आपने हेडिंग थोड़ी भी सेम चेंज कर दी, थोड़ी भी चेंज कर दी, तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, चाहे अंदर का डिटेल आपका सेम है, चाहे अंदर आपने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन हेडिंग में थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया, पूरे मार्क्स चले जाएंगे आपके। हाँ वो बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक बार ये देख लो अंदर का कैसे याद करें, सब मैं बताऊंगा एक बार ये देखो। तो हेडिंग आपको एज इट इज याद करनी है, अगर आप मान लो अवेलेबिलिटी को अवेलेबल भी लिख देते हो तो भी मार्क्स कट जाएंगे, या कुछ और लिख देते हो सिंप्लिसिटी को आप, और कुछ लिख देते हो सिंप्लिसिटी का, आप देखो कुछ काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, आप कुछ भी लिख देते हो इसको, तो वो आपके मार्क्स गलत कर देगा, ये रूल है यहाँ का, रूल यहाँ का नहीं सभी एग्जाम्स में होता है ऐसा, ये एग्जाम से सब में होता है। अब आप बोलोगे इससे रट्टा मार, ये तो रट्टा मारना हो गया, अब क्या करें, ये तो सब एग्जाम से होता है, तो आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में ही होता है, सब एग्जाम में ये बातें होती हैं। तो हेडिंग तो आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, हेडिंग तो आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, थियोरी में किसी भी चीज़ की कर रहे हो हेडिंग आपको एज इट इज होनी चाहिए, अगर हेडिंग गलत लिख दी तो उसमें आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे अंदर का, ठीक हो जाए वो एग्जामिनर पहले हेडिंग देखेगा, हेडिंग को बोल्ड किया होता है वहाँ पे, अगर एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है उसमें बोल्ड होती है हेडिंग और बड़ी साइज में लिखी होती है, तो हेडिंग एज इट इज होनी चाहिए।
अब बोलोगे अंदर का क्या करें। अब कुछ लोग सोचते हैं अंदर का याद बिल्कुल ना करो, बिल्कुल याद ना करो, अपने मन से लिख देंगे, जो मन करेगा वो लिख देंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, तो देखो ये सोच सभी क्वेश्चंस में गलत है बिल्कुल। मतलब ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन में ऐसा चल सकता है, कुछ चीज़ों में ऐसा चल सकता है, लेकिन सभी चीज़ों में चलना ऐसा बिल्कुल गलत है, सभी चीज़ों में नहीं चल सकता। मतलब जिसमें अंदर का कंटेंट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, अंदर के कंटेंट में कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, उनमें तो आपको अंदर का कंटेंट याद करना पड़ेगा। पूरा याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे याद करना पड़ेगा वो तरीका भी मैं बताता हूँ। टेक्निकल वर्ड्स आपको जो मिलेंगे मेनली जहाँ मिलेंगे वो फर्स्ट लाइन में मिलेंगे। फर्स्ट लाइन, हर हेडिंग की फर्स्ट लाइन होती है, आपको भी पता है, हर हेडिंग में फर्स्ट लाइन तो मिलेगी आपको, फर्स्ट लाइन हो तो जो टेक्निकल वर्ड होगा ना मेनली फर्स्ट लाइन में मिलेगा। कभी कभी फर्स्ट लाइन एकदम बकवास होती है, आप पढ़ते ही पता चल जाएगा फर्स्ट लाइन बिल्कुल बकवास है। तो ऐसे केस में टेक्निकल वर्ड आपको मिलेंगे लास्ट लास्ट में, लास्ट वाली लाइन देखना वहाँ मिल जाएंगे। ये मैं तरीके बता रहा हूँ जो मैंने इतने सारे हेडिंग के कीवर्ड निकाले थे, क्योंकि मेरे को तो पूरे निकालने पड़ते थे इसका के ऑडिट के, जब मैंने एनालिसिस किया था। तो आपको फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन में कीवर्ड दिखेगा, ये ट्राई करना। हाँ बहुत कम केस है, मतलब नाइन बताऊँ आपको, 80% में आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा, और लगभग 18-19%, 18 या 15% मान लो, 15% में आपको लास्ट लाइन में मिल जाएगा, और बाकी 4-5% केस ऐसे होते हैं जिसमें बीच में होता है। अब वो 4-5% केस हो चलो आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तो आपको पता चल गया। अब बोलोगे आप फर्स्ट लाइन भी याद कैसे करें, चलो फर्स्ट लाइन याद नहीं होती आपसे, छोड़ो फर्स्ट लाइन याद नहीं होती, फर्स्ट लाइन में टेक्निकल वर्ड ढूंढो। क्या ढूंढो आप? टेक्निकल वर्ड ढूंढो आप, टेक्निकल वर्ड आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, वो ढूंढो। पढ़ने से ढूंढ दिखेगा, ऐसा नहीं मैं बताऊंगा कि यहाँ दिखेगा या दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, वो आपको लाइन पढ़ने से पता चलेगा, लाइन पढ़ने से पता चल जाएगा। टेक्निकल वर्ड ढूंढो, उसको याद कर दो बस, हेडिंग लो याद कर लो और याद कर लो। ऐसे इसमें देखो, अब मान लो फर्स्ट लाइन में कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है तो लास्ट लाइन में दिखेगा आपको टेक्निकल वर्ड, वो टेक्निकल वर्ड याद कर लो, ये होगा। बीच वाला ढूंढो मत, बीच वाला होने के चांस बहुत कम होते हैं, 4-5% केस में बीच में होता है टेक्निकल वर्ड, लेकिन स्टार्टिंग मेन कब होता है? फर्स्ट और लास्ट लाइन में, फर्स्ट और लास्ट लाइन में, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और लास्ट लाइन में होता है। तो ये आपको करना है, और एग्जामिनर वो वर्ड देखेगा। क्यों देखेगा? जब सजेस्टेड आंसर मिलता है तब आपको वर्ड बोल्ड नहीं मिलता, लेकिन एग्जामिनर के पास कॉपी जाती है ना, उसमें वो बोल्ड होता है और अंडरलाइन होती है उसमें, तो वो वर्ड देखता है। वो ऐसा थोड़ी लाइन टू लाइन पढ़ता है, लाइन टू लाइन कोई भी एग्जामिनर चेक नहीं करता, कोई भी कॉपी। अगर एक एग्जामिनर लाइन टू लाइन कॉपी चेक करने लग जाए ना, एक कॉपी को चेक करने में 5 घंटे लग जाए, लाइन टू लाइन वो मैच करने लग जाए, तो आपको भी पता है आप पॉसिबल नहीं है लाइन टू लाइन मैच करना, कभी भी लाइन टू लाइन कॉपी मैच नहीं होती। किसी भी से भी पूछ लेना, किसी भी एयरवन से, किसी से भी, कि किसी ने लाइन टू लाइन याद किया है क्या, कोई पॉसिबल ही नहीं है कि कोई रट्टा मार के लाइन टू लाइन लिख सके, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये चीज़। सीए इंटर में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, सीए फाइनल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप ये लिख सको। ऐसा मैंने करने की ट्राई की थी इस काम में, क्योंकि मेरे सीए इंटर में इस काम में सबसे कम मार्क्स आए थे, 48 नंबर आए थे, 48 मार्क्स। तो मैंने फाइनल में ट्राई किया था लाइन टू लाइन याद करने का, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था, बाद में भूल गया मैं जितना याद किया, फिर मेरे को कीवर्ड्स तो याद करने पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें तो याद रह गई थी। जैसे 4-5 चैप्टर तो मैंने लाइन टू लाइन ही याद किए थे इस काम में, जैसे चैप्टर नंबर 6 वगैरह है कि मेरे को लाइन टू लाइन ही याद करना, तो लाइन टू लाइन याद किए थे। उसमें भी मैंने एक दो लाइन छोड़ दी थी, लेकिन लाइन टू लाइन जितना हो सके उतना याद किए थे। और एग्जाम में ऐसा हुआ मेरा कि जो क्वेश्चन मैंने लाइन टू लाइन याद किए थे सारे के सारे वो आ गए थे एक क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन मेरे इस काम में 70-80 मार्क्स दिए उन्होंने, वो फालतू के मार्क्स काट लिए। जैसे थोड़ी बहुत होती है ना, लेकिन मैं कभी दिखाऊंगा आपको मेरी इसका की कॉपी, अभी तक मैंने एनालिसिस नहीं किया सर्टिफाइड कॉपी का, कभी करूंगा उसमें, तब आपको पता चलेगा कि आंसर एज इट इज मैच है, एक एक वर्ड मैच है उसमें। तो बस वो मैंने इसका में ट्राई किया था, और उसको इसका को पढ़ने में मेरे 6 महीने बर्बाद हो गए थे, बाकी सब्जेक्ट में इतना टाइम बर्बाद नहीं होता, इसका में 5-6 महीने बर्बाद हुए थे, एक ऑडिट में बर्बाद हुए थे, ऑडिट में तो एनालिसिस करने में बर्बाद हो गया था टाइम। तो लेकिन फिर उससे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी जो चैप्टर 5 था ना, चैप्टर 5 और 3 इसका का, वो लाइन टू लाइन याद नहीं हो पाया। हो गया था एक बार तो याद, लेकिन बाद में भूल जाओगे आप। लाइन टू लाइन मतलब कुछ लाइन तो छोड़नी पड़ती है, और फालतू चीज़ें छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूरा चैप्टर ही लाइन टू लाइन स्टार्टिंग, वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो तो कभी आप सोचना ही मत कि आप पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ लो और याद कर लो, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लाइन्स, कुछ लाइन्स याद करना, वो मैंने किया था, लेकिन वो भी आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, भूल जाओगे। तो सबसे बढ़िया क्या तरीका? कीवर्ड्स याद करो। मैंने एक फिर कीवर्ड ही याद करे, और कीवर्ड से ही काम चलाया, और कुछ क्वेश्चन जरूर मेरे को याद हो गए थे, जो सिंपल लैंग्वेज थी थोड़ी, वो जरूर कुछ हो गए थे, क्योंकि इसका जैसे सब्जेक्ट में अगर कोई सोचता है समझने से मार्क्स आते हैं, मैं क्लियर कर दूँ, समझने से मार्क्स नहीं आते इसका में, बाकी सब्जेक्ट समझने की होती है, डीटी पूरी समझने की है, डीटी में रटने से मार्क्स नहीं आते, डीटी पूरी समझनी पड़ती है, आईडीटी समझने से पड़ती है आपको, रटने से मार्क्स नहीं आते। ऐसे ही एफआरएसएफ में फॉर्मूले याद करने होते हैं आपको, खाली क्वेश्चन रटने से मार्क्स नहीं आते, कभी आ ही नहीं सकते कि अगर आप क्वेश्चन रट लिए, कोस्टिंग में क्वेश्चन रट लिए तो मार्क्स आ जाएंगे, आपको फॉर्मूले याद करने होते हैं।
तो ऐसे ही ऑडिट में जो स्मॉल चैप्टर है या इसका है ओल्ड कोर्स वालों की, तो वो रटने की चीज़ होती है, उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें समझने से मार्क्स नहीं आएंगे, रटने से आएंगे। तो सब चीज़ें इसमें, सीए फाइनल में समझना भी है, रटना भी है, सीए इंटर में भी समझने की चीज़ें भी हैं, रटने की चीज़ें भी हैं, फाउंडेशन में भी समझने की चीज़ें भी हैं, रटने की चीज़ें भी हैं। तो सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वहाँ भी समझने की कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें रटने की भी हैं। हिस्ट्री रटनी पड़ती है वहाँ पर आपको, पूरी पुरानी डेट याद करनी पड़ती है वहाँ पर, यूपीएससी का किसी ने अगर ट्राई किया हो तो पता होगा उसको, हिस्ट्री वगैरह पूरी रटनी पड़ती है उसमें, और फिर भी पता नहीं रहता कि पूरा रटने के क्वेश्चन भी आते हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें। और यूपीएससी का 8 से 8-10 साल पहले तो रटा हुआ पेपर भी आता था, रटा हुआ मतलब थ्योरी के क्वेश्चन पूछते थे डायरेक्ट, अब तो उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, तो ऐसा भी होता है। अब देखो ये कीवर्ड आपने याद कर लिए, इससे काम नहीं चलेगा, इसको अंडरलाइन जरूर करना। टेक्निकल वर्ड को क्या करना है आपको, अंडरलाइन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हेडिंग, हेडिंग को तो अच्छे से सिखाना है, हेडिंग को भी अंडरलाइन करना है, और टेक्निकल वर्ड जब आप लाइन बनाओ ना अपनी लैंग्वेज में जो मन करे वो लाइन बनाओ, लेकिन इस टेक्निकल वर्ड को अंडरलाइन जरूर करना। इसको अंडरलाइन नहीं करोगे तो देखो वो ढूंढने लग जाएगा वो आपका वर्ड, आपने टेक्निकल वर्ड लिख तो दिया लेकिन वो मिक्स हो जाएगा, लेकिन आप अंडरलाइन कर दोगे एक। अब ये मत करना कि अलग पेन से अंडरलाइन कर दिया, ये फालतू चीज़ें नहीं करनी, या बॉक्स में डाल दिया, इतना भी नहीं करना आपको, बस एक अंडरलाइन करनी है, एक अंडरलाइन करनी है। टेक्निकल वर्ड को क्या करनी है, एक अंडरलाइन करनी है। जहाँ भी टेक्निकल वर्ड है उसको आपको जो याद किया आपने, जो याद किया है हवा में लिखा उसको मत कर देना अंडरलाइन, जो याद किया है ना उसी को करना अंडरलाइन, जो याद किया है टेक्निकल वर्ड उसको अंडरलाइन करना मत भूलना, जरूरी है टेक्निकल वर्ड को अंडरलाइन करना, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने बता दिया आपको हेडिंग, अब खाली टेक्निकल वर्ड याद करना। आप बताओ ये टेक्निकल वर्ड याद करने में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ लाइन टू लाइन याद करोगे वो पॉसिबल नहीं है, अगर आप बोलो कि इसमें 4 लाइन दे रखी है आप रट लो, पॉसिबल नहीं। हाँ एक लाइन याद कर सकते हो, एक लाइन याद कर लोगे बेटर है, वो भी बेटर है अगर टाइम है तो आपके पास, लेकिन टाइम नहीं है तो टेक्निकल वर्ड याद कर लो आप, टाइम नहीं है तो टेक्निकल वर्ड, और एक लाइन याद करो तो फर्स्ट लाइन याद कर लेना आप। देखो लोगों का मैं बता दूंगा, लोगों का मैं बता दूंगा अभी क्या है वो सेम यही तरीके, अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो। हाँ प्रोविजन वाले मैं अलग से बता दूंगा लोगों में क्या करने हैं, क्योंकि लोगों का पेपर सीए फाइनल का पूरा प्रोविजन बेस आता है, ऐसा नहीं आता थ्योरी का क्वेश्चन आता है, पहले आता था लेकिन आज के ज़माने में नहीं आता ऐसा पेपर। देखो यूपीएससी अलग एग्जाम है वो, उसका लेवल इसका लेवल अलग है, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने दिए क्लियर नहीं हो पा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का एग्जाम बिल्कुल अलग लेवल है, सीए में 500-500 नंबर थे उनके, तो यूपीएससी का लेवल अलग है, यूपीएससी का सिस्टम अलग है। पहले का जो सिस्टम था यूपीएससी का, आज से पहले की बात करी जाए तो, हाँ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मतलब एक तरीके से थ्योरी क्वेश्चन आते थे, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया कि इसमें क्या था, इस आर्टिकल में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो पहले वाली बात अलग थी, लेकिन आज का लेवल अलग है। आज वो व्यू पॉइंट लेते हैं, व्यू पॉइंट जिनका उनको अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं, तो वो पूरा किस्मत वाला भी एग्जाम है वो। सीए ऐसा नहीं है कि इसमें लक ज़्यादा काम करता है, यूपीएससी में लक काम करता है काफ़ी, सीए में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ लक 1% ही काम करता है, वो जो थोड़ी बहुत गलती होती है उसी में लक काम करता है, बाकी यहाँ लक काम नहीं करता। यूपीएससी में आपकी व्यू पॉइंट अगर मैच कर गए एग्जामिनर से मार्क्स नहीं जाते, क्योंकि वहाँ आंसर की नहीं होती, वहाँ पे वहाँ व्यू पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं। हाँ थ्योरी वाले आते हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन वो आज के टाइम पे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए कि ये बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, ऐसे वाले क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं। एस एफ एम क्या डिस्कशन कर चुके हैं अपन, अब थ्योरी का करेंगे बस अब डिस्कशन। हाँ एक बात और है, एस एफ एम में भी थ्योरी है, ओल्ड न्यू कोर्स में एस एफ एम की थ्योरी मैंने बताई है काफ़ी सारे वीडियोस में, उसमें अंदर की हेडिंग याद कर, अंदर की टेक्निकल वर्ड याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, खाली हेडिंग भी कर दोगे ठीक तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं अपन दूसरे तरीके में, पॉइंट्स विदाउट हेडिंग, पॉइंट्स विदाउट हेडिंग, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना पॉइंट्स विदाउट हेडिंग सबसे ज़्यादा ये होते हैं। अगर अपन बात करें तो 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन, लगभग 70 या 60 क्वेश्चन पॉइंट्स विदाउट हेडिंग वाले होते हैं, ऑडिट वगैरह सब में बात करो तो पॉइंट्स विदाउट हेडिंग वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट्स विदाउट हेडिंग क्या होते हैं, आपको ऐसे पॉइंट्स दे रखे होते हैं काफ़ी सारे, एरो करके या कैसे 1 2 3 लिख के या डॉट लगा के, काफ़ी सारे पॉइंट आपने देखे होंगे, उसमें लाइन्स लिखी हुई होती हैं, लाइन्स लिखी हुई होती हैं, लाइन्स लिखी हुई हैं ऐसे, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे लाइन लिखी हुई हैं, ये लाइन्स है, ये लाइन्स लिखी हुई होती है उसमें। जैसे वाउचिंग वेरिफिकेशन के क्वेश्चन नहीं होते क्या आपने देखे होंगे, वैसे ही सेम बता रहा हूँ मैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं कि वेरीफाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डैश डैश ऐसे होते हैं। अब इसमें हेडिंग नहीं होती, लेकिन इसमें हेडिंग नहीं होती, पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें हेडिंग तो है नहीं, क्या करें, अब लाइंस एज इट इज याद नहीं हो सकती तो क्या करें। तो देखो जो कीवर्ड है ना, जैसे मान लो एक है लाइन वेरीफाई
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिव्यू इन डिटेल, ऐसा कुछ लाइन मैंने बना दी, ऐसी लाइन बना दी। अब आपको इसमें क्या करना है, ये लाइन बन गई है, एक हेडिंग नहीं है इसमें, आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है। ये रहा कीवर्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये क्या हो गया कीवर्ड, कीवर्ड या टेक्निकल वर्ड। ये कीवर्ड या टेक्निकल वर्ड क्या करना, आप इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो अभी से, बाद में हाईलाइट करने का टाइम नहीं मिलेगा। कभी सोचो कि एग्जाम के एग्जाम वाले दिन हाईलाइट करेंगे, अभी से जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो, सेकंड करते हो रिवीजन, या पहली स्टडी करते हो, तभी कीवर्ड छाट लो। और एक बाद में जो रिवीजन करना है आपको, उन कीवर्ड का ही रिवीजन करना है, मैंने पहले भी बताया काफ़ी वीडियोस में, उन कीवर्ड का रिवीजन करना है। ये कीवर्ड हो गया, इसको याद कर जाओ। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, ये पूरी लाइन है, ये कीवर्ड था, एक कीवर्ड था आपने जो याद किया था, आपने कीवर्ड याद कर रखा है, बाकी कुछ याद नहीं कर रखा, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम याद कर रखा है, बाकी ये लाइन तीन लाइन की है मान लो। आप कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन कर दो, या तो या ब्रैकेट में डाल दो, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, अगर लग रहा है आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ऐसे बॉक्स में डाल दो उस कीवर्ड को जो भी आपने बनाया है, और बाकी आप अपनी मर्जी से लिख दो, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये गारंटी है पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, लेकिन कीवर्ड याद होना चाहिए। कीवर्ड ये मत कर देना, अब आपने इसमें कीवर्ड क्या कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन छोट छाट लिया, ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड आप सही से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन कीवर्ड नहीं है, साफ पता चल रहा है इसमें कीवर्ड क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड सही से आइडेंटिफाई हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आराम से हो जाएगा, किसी को भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 95% आप कीवर्ड ठीक से आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक चीज़ और है, वो भी बता दूंगा कि 4 मार्क्स में कितनी लाइन लिखे, किस में कितनी लाइन लिखी, अभी वो डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह से करना पॉइंट विदाउट हेडिंग। एक होता है पैराग्राफ, वो और देख लो, पहले पैराग्राफ। अब पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ वाले में क्वेश्चन क्या होते हैं, पैराग्राफ वाले थ्योरी क्या होती है, आपने ऐसे में देखे होंगे, पैराग्राफ भरा वो होता है 8-10 लाइन का, पूरा पैराग्राफ होता है 8-10 लाइन का, ज़्यादा लाइन का भी हो सकता है, 15-20 लाइन का भी। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें देखो याद तो क्या करना है आपको, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन पूरी याद रखनी है आपको, कीवर्ड वगैरह मत देखो, पूरी लाइन याद कर लो, फर्स्ट लाइन पूरी याद रख लो, और बाकी मान लो जितनी लाइन बच गई है, ये लाइन सारी बच गई, इनमें आपको 3-4 कीवर्ड्स याद करने हैं पैराग्राफ की साइज के अकॉर्डिंग। अगर 3-4 लाइन है तो 3-4 कीवर्ड, 8-10 लाइन है तो 6-7 कीवर्ड, इस तरह से आपको याद रखना है 3-4 कीवर्ड। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, फर्स्ट लाइन याद करनी है एक तो, और एक 3-4 कीवर्ड, 3-4 कीवर्ड में बता रहा हूँ, क्योंकि पैराग्राफ ज़्यादातर इतनी लाइन का आता है, 4-5 लाइन का, मान लो 8-10 लाइन का पैराग्राफ है तो 5-7 कीवर्ड याद करने पड़ेंगे, साइज उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देना, जितना लाइन का पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स के आप नंबर बढ़ा देना। फर्स्ट लाइन 3-4 कीवर्ड्स ये याद किया आपने। अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, वहाँ पे पैराग्राफ लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके, क्योंकि इंस्टीट्यूट का आंसर सजेस्टेड में तो पैराग्राफ में आएगा, लेकिन मेन एग्जाम में उस पैराग्राफ को तोड़ दिया जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी, पॉइंट्स में तोड़ दिया जाएगा उसको, गैप देना आपको, गैप देना बीच में, फिर गैप देने के बाद आपको ये पॉइंट्स जो आप पैराग्राफ थे ना, पैराग्राफ के आपको 3-4 पॉइंट बनाने हैं, जितने लाइन का जितने अगर जितने नंबर का पैराग्राफ हो उतने पॉइंट तो कम से कम बनाओ, उससे ज़्यादा ही बना दो 1-2 पॉइंट, जितने नंबर का बना है उतने पॉइंट तो बनाओ, बाकी उससे ज़्यादा बना दो एज पर मार्क्स, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट बनाओ कम से कम 8, बाकी 1-2 एक्स्ट्रा बना दो 10 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर पॉइंट में, हर पॉइंट में एक एक कीवर्ड लिख दो, हर पॉइंट में, ऐसा नहीं कि हवा में बना रहे हो पॉइंट, हर पॉइंट में एक एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा जो पैराग्राफ में कवर था, जो कीवर्ड पैराग्राफ में कवर था वो लिखना पड़ेगा आपको, जितने याद किए थे आपने। हाँ आपको लग रहे हैं कम याद हुए तो 1-2 लाइन फिर आप मन से बना दो बाद में, उसके मार्क्स मिलने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, 0.001% है, लेकिन गलती से मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन इस तरह से बनाओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको पैराग्राफ वाले में। ऑडिट में इंडेक्स का कुछ डिस्क्लोजर वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर का, 4 नंबर तक का वेटेज है ऑडिट में इंडेक्स का आने का, न्यू कोर्स में, ओल्ड कोर्स में काफ़ी कम चांस है, न्यू कोर्स में बता रहा हूँ मैं। हो गया क्लियर ये? तो इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, SCMP AA में किसी का भी क्वेश्चन आ जाए थ्योरी का, और SCMP में तो भर भर के थ्योरी है, ऐसी पैराग्राफ वाली, पैराग्राफ वाली भर भर के थ्योरी है, इस तरह से प्रेजेंटेशन करो, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा।
अब एक दो बात और है कि कुछ लोग बोलते हैं 4 मार्क्स में कितनी लाइन लिखे, 8 मार्क्स में कितनी लाइन लिखे, ये कुछ लोग बोलते हैं। देखो जितना इंस्टीट्यूट का आंसर है ना उतना लिखना होता है। अगर 2 लाइन का इंस्टीट्यूट का आंसर है तो 2 लाइन लिख दो, 10 लाइन का है तो 10 लाइन लिखनी पड़ती है। मतलब 10 लाइन ऐसा नहीं कि पूरा उतारनी पड़ती है, कीवर्ड लिखने पड़ते हैं उसका अकॉर्डिंग। 2 लाइन में दे रखा है इंस्टीट्यूट ने तो 2 लाइन के कीवर्ड लिखने होते हैं। 8 मार्क्स का अगर मान लो 2 लाइन का ही आंसर है तो 2 लाइन के कीवर्ड लिखने होते हैं, और अगर 2 पन्नों का आंसर है तो 2 पन्नों के आपको कीवर्ड लिखने होते हैं। ये यहाँ पे ये नहीं होता कि 4 नंबर में आधा पेज भर दिया, 8 नंबर में 2 पेज भर दिए, मार्क्स मिल जाएंगे। क्या पता 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 2 पेज का है और 8 नंबर वाले आंसर का, 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है आधे पेज का, तो उतना ही करने से नंबर मिलेंगे। बी कॉम का एग्जाम नहीं है ये, कि बी कॉम की तरह पेज बनने से नंबर मिलेंगे। ये बी कॉम या आपका स्कूल वाला एग्जाम नहीं है कि पेज बनने से नंबर मिलेंगे। वो चीज़ें भूल जाओ आप कि पेज बनने से यहाँ नहीं नंबर नहीं मिलते, दूसरे एग्जाम होते हैं ना उनमें मिल जाते हैं। फिर भी कुछ एग्जाम होते हैं ऐसे जैसे नंबर मिल जाते हैं पेज बनने से, एक्स्ट्रा लिखने से, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ तो पेज बनना फालतू है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा पेज फिलिंग जो आप करते हो बिल्कुल टोटली वेस्ट है। कुछ लोग भरते रहते हैं जो मन में आता लिखते रहते हैं, वो टोटली वेस्ट है। तो ये टोटली वेस्ट जैसे काम बिल्कुल मत करना। तो ये मैंने क्लियर कर दिया, टोटली वेस्ट वाले फालतू काम है कि पेज बनने से नंबर मिलेंगे आपको, ये सब फालतू है। अब आप बोल रहे हो कौन सी केस स्टडी करें, इलेक्टिव वाले। इलेक्टिव वाले एक चीज़ पूछ रहे हैं, इलेक्टिव वाले पेपर भी ज़्यादातर थ्योरी है देखा जाए तो, इंटरनेशनल टेक्स थोड़ा प्रैक्टिकल है, बाकी तो ज़्यादातर थ्योरी कवर है उनमें। तो इलेक्टिव में केस स्टडी कैसे कवर करें, देखो केस स्टडी आएंगे 5, 4 आपको अटेम्प्ट करनी है कोई सी भी, ऐसा नहीं है यहाँ पे 1 कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, इनमें से आपको N4 करनी है। आप देखो केस स्टडी को सिलेक्ट कैसे करें, 4 घंटे हैं आपके पास, टाइम काफ़ी रहता है, और इतनी बड़ी केस स्टडी नहीं होती। पहले तो 3 ही केस स्टडी आती थी, पहले तो आपको एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था आपके पास। अब देखो टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन क्या करोगे, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलेगा आपको। सबसे पहले देखो 5 केस स्टडी को एक बार जल्दी जल्दी देख लो कि कोई केस स्टडी सेम तो नहीं आई। सबसे पहले देखो क्या देखो, सेम एग्जैक्ट सेम आई है क्या कोई। एग्जैक्ट सेम मतलब फिगर चेंज है लेकिन जो प्रोविजन है वो सब सेम है, एग्जैक्ट सेम। ऐसा नहीं आएगी कि बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट आ जाएगी, ऐसा आई तो आपकी किस्मत बढ़िया हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम आई सबसे पहले उसको करना है, बिना देखे उसको सोल्व करना है आपको, तो बस बिना कुछ सोचे उसको सोल्व करना है। क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो देखी हुई केस स्टडी को छोड़ के आया हो, तो सबसे पहले उसको सोल्व करना है आपको बिल्कुल सेम। अब ऐसा नहीं मिला आपको तो क्या देख रहा है आपको, थोड़ा जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ के देखना है। ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन पढ़ने लग जाओ, ऊपर ऊपर से पढ़ के देखना है। ऐसी कोई केस स्टडी है क्या जिसमें कुछ क्वेश्चन सेम है, सारे तो सेम नहीं है लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो दूसरी केस स्टडी में भी थे उस टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम सिमिलर बोल दूं मैं, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन टाइप की, सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ सारे नहीं है, सिमिलर सम क्वेश्चन है, सम सिमिलर क्वेश्चन, वो ढूंढो उसको करना है आपको, उसको करना ही है। एक दो क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल खतरनाक हो, लेकिन आपको सम सिमिलर क्वेश्चन दिख गए आपको, मतलब कुछ क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है और केस स्टडी का स्ट्रक्चर भी सेम है काफ़ी हद तक, तो आप उसको ढूंढ लो। चलो 2 देख लिया आपने, अब ऐसी तो मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं होगा ऐसी नहीं मिलेगी। कितना टफ पेपर आए, 1-2 केस स्टडी तो आपके ऐसे मिल जाएंगी, सिमिलर क्वेश्चन दिख जाएंगे। क्योंकि जो नवंबर 19 का पेपर था इंटरनेशनल टैक्स का, उसमें खतरनाक केस स्टडी थी, लेकिन 1-2 केस स्टडी थी थोड़ी सी दिख जाती थी, वो ठीक थी। मतलब सारी ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी एकदम ईजी थी, खतरनाक पेपर था मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत ठीक थी एक आधी केस स्टडी, 1-2 केस स्टडी। अब ये भी नहीं हुआ तो आपको फिर क्या करना है, ऊपर ऊपर से देख लिया, अब क्या करना है आपको, रीडिंग लगानी है। अब रीडिंग लगानी है आपको केस स्टडी की। अब आपने केस स्टडी 1 की रीडिंग लगाई, स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1 से ही करोगे, और कहाँ से भी कर लो तो केस स्टडी में तो ये फिक्स है नहीं कि लास्ट वाली ली होगी। तो थोड़ा पढ़ा आपने, पता चलेगा आपको ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ही आउट ऑफ टाइप की लग रही है आपको, मतलब टॉपिक ही खतरनाक लग रहा है आपको, तो छोड़ दो उसको, फिर दूसरी रीडिंग कर लो। फिर आप देखो कि कौन सी ऐसी केस स्टडी है जिसके टॉपिक्स आपको आते हैं, इंटरनेशनल टैक्स या कोई भी सब्जेक्ट में जिसके टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, जिसके टॉपिक्स आपको आते हैं। जैसे मान लो इंटरनेशनल टैक्स में एक केस स्टडी है एनआर टैक्स की, एनआर टैक्स की, ये है ट्रांसफर प्राइस की, ये है ब्लैक मनी और DTW की मिक्स। तो आप देखो कौन से टॉपिक को आप, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका स्ट्रॉन्ग है मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग केस स्टडी 3, ये उठा लो। फिर आप क्या देखो स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपका कौन सा है, उस बेस पे आपको डिसाइड करना है, उस बेस पे आपको डिसाइड करना है। और
वो भी नहीं है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी आपका कुछ नहीं है, तो फिर आप जो मन करे फिर वो करो। ये तरीका है इसमें डिसाइड करने का, केस स्टडी का यही तरीका है, कोई तरीका नहीं है। मैंने ट्राई करके देखा था नवंबर 19 का पेपर, तो इसी तरीके से देखा, और वो पेपर टफ था। मतलब कोई अगर टीचर भी बैठे ना उस पेपर में तो 70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं आ सकते उस पेपर में। शायद ऑल इंडिया में हाईएस्ट 59 मार्क्स आए थे उस पेपर में, इंटरनेशनल टैक्स में। ऐसा नहीं है हमेशा ऐसा पेपर आएगा, अगली बार ईजी आ सकता है इंटरनेशनल टैक्स का, बाकी टफ आ जाए। तो कुछ ऐसा मत सोचना कि इंटरनेशनल टैक्स ही टफ है। इंटरनेशनल टैक्स का टफ इसलिए इंस्टीट्यूट ने बनाया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वो ले रखा था। इंस्टीट्यूट जाता था सारे स्टूडेंट मिक्स हो जाएँ, 6 इलेक्टिव पेपर में मिक्स हो जाएँ, 5-6 इलेक्टिव पेपर में मिक्स हो जाएँ, तो इंस्टीट्यूट ने उसको टफ दे दिया क्योंकि सब वो लेते थे इंटरनेशनल टैक्स। क्यों लेते थे? सेम डीटी वाला कोर्स था उसका, इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट सेम था, एक ब्लैक मनी एक्ट अलग से था छोटा सा एक्ट, बाकी सेम कोर्स था, तो सब वही लेते थे। 90% स्टूडेंट वो लेते थे। मई 18 में 90% ने वो ले रखा था, ऐसे ही नवंबर 18 में ले रखा था 90% ने। मई 19 में थोड़ा टफ दिया तो थोड़े लोग कम हुए, इकोनॉमिक लो और रिस्क मैनेजमेंट की तरफ गए थोड़े लोग। फिर नवंबर 19 में ऐसा टफ दे दिया कि अब तो 20% लोगों के पास है इंटरनेशनल टैक्स, ओनली 20% लोगों के पास इंटरनेशनल टैक्स है। लगभग 30% के पास रिस्क मैनेजमेंट है, 20% के पास इकोनॉमिक लॉ है, मतलब बट गई है। अब एक जी जो सब्जेक्ट है GFRS और क्या बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, तो किसी के पास भी नहीं है, मतलब ना के बराबर स्टूडेंट मानो आप तो 100-200 स्टूडेंट के पास होगी होगी तो, और जो GFRS है वो भी कम स्टूडेंट के पास है। तो अब बढ़ चुकी है कि कुछ लोग कैपिटल मार्केट भी लेते हैं, क्या बोलते हैं वो कम लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस कैपिटल मार्केट थोड़े कम है लेते हैं। लेकिन इकोनॉमिक लॉ रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा, रिस्क मैनेजमेंट फिर इकोनॉमिक लॉ लेते हैं फिर इंटरनेशनल टैक्स लेते हैं, ये सब पेपर देख के लेते हैं, पुराना पेपर देख के। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्या पता अगले बार उसी का टफ पेपर आ जाए, तो वो तरीका गलत है। वो तो आपको वो सब्जेक्ट लेनी चाहिए जिस पे आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो, जो आपको अच्छी लगती हो। टैक्स अच्छी लगती है तो इंटरनेशनल टैक्स लो, लो अच्छी लगती है तो इकोनॉमिक लो लो। अगर आपको SFM अच्छी लगती है, SFM के कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, थ्योरी अच्छी लगती है, तो RM वगैरह आप ले सकते हो। कैपिटल मार्केट में अगर आपके इंटरेस्ट है तो कैपिटल मार्केट ले सकते हो। वो ये देख के लेनी चाहिए ना कि पेपर इजी इसका आ रहा है इसको ये ले लो, ऐसा थोड़ी है कि इसका इजी आएगा हमेशा। तो तरीका गलत है, लेकिन अब क्या करें, यही चलता है ट्रेंड उसमें। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया क्या कैसे करना है। देखो तो एग्ज़ाम का मुझे कुछ नहीं पता कब होंगे क्या होंगे, अभी डेट दे रखी है, अभी वही मानो आप डेट 1 नवंबर को आपके पास एडमिट कार्ड क्या बोलते हैं 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तब उसके और क्लियर हो जाएगा। अभी तो आपको वही डेट माननी है, 21 नवंबर से एग्ज़ाम होंगे। LPP और लर्निंग कर्व का देखो, इस लर्निंग कर्व और LPP थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आना चाहिए, गलती से कभी क्वेश्चन आ जाए तो कर दो, ऐसा नहीं हमेशा क्वेश्चन आएगा, कभी कभार 3-4 अटेम्प्ट में एक बार उन दोनों में से एक का क्वेश्चन आ सकता है। वो ऐसा नहीं कि उसका बेसिक क्वेश्चन आएगा, मतलब एप्लीकेशन करना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में या प्राइसिंग डिसीजन में आपको उनका। अब एक सब्जेक्ट की और बात कर लेते हैं, जो प्रोविजन वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब थ्योरी नहीं होते, ऑडिट इसका तो थ्योरी होते पूरे, और SCMP भी थ्योरी है काफ़ी सारे, लेकिन प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है SCMP वगैरह में, प्रोविजंस या केस लॉ टाइप का क्वेश्चन है या केस स्टडी है, तो इसमें क्या करोगे आप? इसमें सबसे पहले आप लिखो, इशू लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, केस लॉ और केस स्टडी में तो आपको इशू लिखना ही पड़ेगा। प्रोविजन वाला जो क्वेश्चन है कंपनी लॉ वाला, उसमें ज़रूरी नहीं है इशू, इशू लिख दिया आपने। अब आपको इशू लिखने के बाद अगला पॉइंट बनाना है प्रोविजन, अगला पॉइंट बनाना है प्रोविजन का। अब प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन ये बात याद रखना, कुछ लोग पैराग्राफ भरते हैं, 10 लाइन 5 लाइन लिख दी पैराग्राफ में, बिल्कुल गलत है, और इशू में भी लाइन पैराग्राफ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रोविजन से पॉइंट बनाने हैं आपको, और पॉइंट्स के बीच में गैप भी देना है आपको। मैंने ऊपर भी बताया, बताना भूल गया मैं आपको ऊपर, ये कहाँ था अपना, ये आ गया, ये कीवर्ड आपने याद किया, इनमें गैप देना आपको बीच में, हर पॉइंट के बीच में गैप देना, ऐसा नहीं कि चिपका चिपका के लिख दिया। आपको पेज बचाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेज आपको फ्री के मिल रहे हैं, आपने पैसे दे दिए अब आपको पेज फ्री के मिल रहे हैं, आपने जो पैसे दिए उस पेज में, उसमें आपको अनलिमिटेड पेज मिलेंगे। आप एग्जाम जो क्या बोलते हैं आप वहाँ पे जो आप एग्जाम दोगे वहाँ पर, आप 100 पेज भी मांगोगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बार बार एक्स्ट्रा कॉपी मांगोगे तो वो भी देंगे, कितने भी मांगोगे सब देंगे आपको। आपको तो खुला खुला लिखना है, बीच में गैप देना ज़रूरी है, एक एक लाइन का तो गैप कन्फर्म होना चाहिए, गैप देना ज़रूरी है हर जगह। और दूसरा गैप कहाँ देना ज़रूरी है, यहाँ भी सब जगह गैप देना ज़रूरी है, पॉइंट्स में सब जगह गैप देना ज़रूरी है, एक एक लाइन का गैप, ये याद रखना, बिना गैप के करा तो मार्क्स पूरे कटेंगे। और यहाँ तो दो दो लाइन का गैप दे देना, हेडिंग वालों में तो दो दो लाइन का गैप दे देना, दो दो लाइन का गैप दे देना।
तो गैप देना आपको ज़रूरी है, बिना गैप के करोगे तो आपकी दिक्कत हो सकती है, और गैप देने से आपके कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे और आपको पेज की कमी नहीं आएगी कि पेज कमी आ गई कि पेज नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पेज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतने पेज बनने हैं, 200 वर्ड ही लिखने हैं या 200, इतने पेज आपको कॉपी दे रखी है उसी स्पेस में लिखना है आपको, ऐसा यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलिमिटेड पेज आप ले सकते हो, तो फालतू चीज़ों में आप फालतू ये सोच के कि पेज वगैरह नहीं मिलेंगे या पेज में छोटा छोटा लिख लूँ, ऐसा मत करना, गैप देना, अच्छे से गैप देना। और ये अपन कर रहे हैं ना प्रोविजन वाले क्वेश्चन भी, इनमें भी आप प्रोविजन वगैरह लिखो तो ऐसा नहीं पैराग्राफ भर दिया, पॉइंट्स बना दो उनके, पैराग्राफ के पॉइंट्स बना दो, और पॉइंट बनाओ ना तीन तीन लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 5 6 6 लाइन के पॉइंट बना दो पैराग्राफ बन गए फिर तो, वो 3 लाइन 2 लाइन का पॉइंट बना दो, तोड़ दो प्रोविजन्स को टुकड़ों में, प्रोविजन्स को क्या कर दो टुकड़ों में तोड़ दो, वो बेस्ट रहता है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्कशन या एनालिसिस, क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कशन करना है, क्वेश्चन जो था उसके साथ प्रोविजन का डिस्कशन करना है, क्वेश्चन जो दे रखे क्वेश्चन की लाइन लिखनी है, एक तरीके से क्वेश्चन की लाइन लिखनी होती है और उसमें प्रोविजन का मिक्स करना होता है, डिस्कशन करना होता है या एनालिसिस करना होता है बस, और इसको भी पॉइंट्स में दिखाना होता है आपको, ऐसा नहीं पैराग्राफ भर दिया, और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन तो एक लाइन का होता है, वैलिड इनवैलिड लीगल इलीगल, यही होता है कंक्लूजन, असेसिंग ऑफिसर एक्शन वैलिड उसका इनवैलिड या कुछ भी होता है, लीगल इलीगल ये कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन आपको एक लाइन लिखा, उसमें जो फाइनल आंसर है ना वैलिड इनवैलिड जो भी है या लीगल इलीगल जो भी आंसर है, जो भी आंसर है उसको ब्रैकेट में डाल देना बस, ये कर देना, ये बेस्ट तरीका है। सब सेक्शन वगैरह फालतू होते हैं, सेक्शन अगर आपको याद है तो लिख देना, नहीं तो सब सेक्शन वगैरह में गलती होने के चांस होते हैं, सब सेक्शन वगैरह लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, और सेक्शन वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, याद हो तो लिख दो लेकिन गलत मत लिखना, सेक्शन वगैरह गलत मत लिखना नहीं तो आपकी दिक्कत आ जाएगी, गलत मत लिखना, याद हो तो लिख दो नहीं तो छोड़ दो बस। ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, इशू प्रोविजन डिस्कशन एनालिसिस और कंक्लूजन, इस तरह से आपको दे रहा है। कंक्लूजन तो एक लाइन का होता है, कंक्लूजन ऐसा नहीं होता कि पेज भरते हैं कंक्लूजन में, एक एक पेज भर दिया आपने, वापस वो बातें वापस नहीं चेपनी यहाँ पे, आपको एक लाइन का कंक्लूजन देना है, देयर फॉर इन दिस क्वेश्चन किसका क्लेम वैलिड है इनवैलिड है जो भी है जिस सब्जेक्ट का आंसर उस अकॉर्डिंग। अब आप बोलते हो केस स्टडी कैसे करो, केस स्टडी आती है SCMPE में, 20 मार्क्स की आ जाती है, कभी कभी 2 बार अटैम्प्ट से आ रही है क्वेश्चन, ऐसा नहीं हमेशा आएंगी, फिर भी मान लो एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स ऐसा मानो, तो उसमें भी सेम पहले इशू लिख लो आप, क्वेश्चन का इशू लिख लो, इशू लिखने के बाद यहाँ प्रोविजंस वगैरह कुछ नहीं लिखने, प्रोविजंस मतलब कंसेप्ट्स, SCMPE में प्रोविजन नहीं होते, सेक्शन नहीं होते SCMPE में, कंसेप्ट होते हैं SCMPE के, वो कंसेप्ट लिख दो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की केस स्टडी आ गई मान लो SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्या केस स्टडी है उसे पूरे कंसेप्ट लिख दो। अगर मान लो किसी केस स्टडी में पॉइंट अलग अलग टाइप से पूछा है, मतलब केस स्टडी है उसमें 4 क्वेश्चन पूछ लिए, बेनिफिट्स ऑफ SCM, लिमिटेशन ऑफ SCM एंड ई कॉमर्स, तो आपको फिर उस अकॉर्डिंग पॉइंट 1 बना के पॉइंट 2 बना के करने लिखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक लाइन में आंसर पूछा है इन दिस सिचुएशन, एक पूरी सिचुएशन दे दी आपको, केस स्टडी दे दी, अब बताओ कि ये कंपनी एस सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट करेगी क्या, बस एक लाइन में पूछा आपसे, बस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताओ पूरा। तो आप सबसे पहले इशू लिख दो, कंपनी में क्या क्या इशू आ रहे हैं, उसको क्या क्या अप्लाई करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अप्लाई करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो भी डिटेल याद है आपको, जितनी भी याद है सारी लिख दो, सारी लिख दो आपको केस स्टडी में, 20 नंबर की है तो सारी लिख दो, और सारी इतनी याद होगी आपको कि आराम से इसमें आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन की लाइन उठा के उसको जो आपने कंसेप्ट लिखे हैं ना, कंसेप्ट कोस्टिंग का बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट लिखे हैं उसके साथ थोड़ा डिस्कस कर लो क्वेश्चन की लाइन से, यहाँ इससे ये कमियाँ दूर हो जाएंगी, इससे ये कमियाँ दूर हो जाएंगी, और लास्ट में कंक्लूजन देना होता है एक लाइन का कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इस कंपनी के लिए बेस्ट है, या जो भी क्वेश्चन आया बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल का आया, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल इस कंपनी के लिए बेस्ट है, बस यही होगा लास्ट कंक्लूजन, ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होगा, सब में यही होगा, 90% में यही होगा, वो दे दो कंक्लूजन, ये कोस्टिंग का बताया मैंने, केस स्टडी का। देखो लो में काफ़ी बार रिविजन किया था मैंने, राधे राधे अतिका जी, लो में काफ़ी बार रिविजन किया था, लेकिन लो में मार्क्स कम ही आए थे, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कम आए थे मार्क्स लो में। अरे ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरी स्ट्रेटेजी देख के वो पेपर चेंज कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग बनवाता है सारी चीज़ें, क्या मेरी स्ट्रेटेजी देख के या मेरी चीज़ें देख के वो चेंज कर देगी पैटर्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो हुए थे
क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, तब उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, उसका जैसा चलते गए वो वैसे ही चलते गए, उन्होंने कुछ वैसा चेंज नहीं किया स्पेशल कि अगले एग्जाम टफ बना दिए। उनको जैसा बनाना होता है वैसे ही बनाते हैं वो कुछ चीज़ें देख के नहीं बनाते कि हाँ ये देख के वो चेंज कर देंगे, तो वो कुछ चेंज नहीं होगा वो चीज़ें, ऐसा मत सोचो आप। जो फिक्स है वो फिक्स ही है। हाँ, एक SEMPA का फिक्स नहीं है, वो मैं बोल रहा हूँ फिक्स नहीं है, वो तो एक ट्रेंड एनालिसिस है जो सोचा जा सकता है कि क्या आने का चांस है। उसमें दो चीज़ें फिक्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 30 मार्क्स, बस ये फिक्स है उसमें, ये ट्रेंड फिक्स है और एक कन्फर्म ट्रेंड है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्लस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग SEMPA का। बाकी उसमें कुछ फिक्स नहीं है SEMPA में, कभी कोई चैप्टर आ जाता है कभी कोई चैप्टर, मैंने बताया इस बार ये 4 चैप्टर आने के चांस है और बाकी आने के चांस नहीं है, तो वो एक रिस्क होती है, लेकिन मैं 90% बताऊँ कि वो होगा पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो उसमें से होगा ऐसा। बाकी सब सब्जेक्ट में फिक्स होता है, इंस्टीट्यूट का आप वो देख लो सेक्शन वाइज वेटेज सेम वही बता रखा है, और मेन एग्जाम में भी सेम वही चला हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में ये ट्रेंड चल रहा है उनका। ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि लोग के अंदर डायरेक्टर वाले जो चैप्टर होते थे वो 5 नंबर के आ गए और बाद वाले चैप्टर मिसलेनियस वगैरह वाइंडिंग अप 50, 60, 70 नंबर के आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, इतना ऐसे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जितने थे उसे, हाँ 4-5 नंबर का कम ज़्यादा होता है, मतलब 10% कम ज़्यादा मान सकते हो आप, 10% कम ज़्यादा होता है, 10% से ज़्यादा चेंज नहीं आते, वेरिएशन ऐसे कोई पेपर में नहीं आते। हाँ कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज़ आ गई तो वो तो बात ही अलग है, उसमें तो फिर सब बर्बाद होते हैं, एक जना बर्बाद नहीं होता उसमें, सभी बर्बाद होते हैं फिर। रिवाइज मैंने बोला 4-5 टाइम, बताऊँ तो कम से कम 5 बार रिवीजन ही हुआ था मेरा, 5 बार रिवीजन, 3 तो मैंने मॉक टेस्ट के टाइम ही कर लिया था, तीन तीन तो मैंने मॉक टेस्ट दिए थे हर सब्जेक्ट के, तो 3 रिवीजन तो तभी हो गए थे मेरे। एक रिवीजन मैंने किया था बिना मॉक टेस्ट के लास्ट वाला 10 अप्रैल के बाद, और एक एग्जाम के टाइम, 5 रिवीजन तो ये हो गए थे मेरे, और उससे पहले एक बार सेल्फ स्टडी पूरी, 6 रिवीजन मान लो आप, 5 रिवीजन और एक स्टडी, ऐसा मान लो आप 6 रिवीजन मान सकते हो मेरे टोटल। तो ये मैंने बता दिया आपको सबका प्रेजेंटेशन, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मेरे से, स्पेशल कुछ पूछना हो तो। एक चीज़ और है वो बता देता हूँ आपको, सबको पता है वैसे तो, आजकल क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसा मत करना कभी, एक बार 7 का A कर लिया, फिर 6 का B कर लिया, फिर कर लिया आपने 5 का A, फिर 7 का B, ऐसे आपने अटेम्प्ट किया आपको 0 मार्क्स मिल सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है अगर आपने ऐसे अटेम्प्ट किया तो। अगर आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो कोई सा भी कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ये तो सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी, ऐसा नहीं है कि 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वो स्टार्ट करना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन 7 अच्छे से आता है तो 7 का A कर लिया, 7 का B भी करना पड़ेगा आपको, 7 का C भी करना पड़ेगा, डी भी ये दे रखा है तो 7 का D भी करना पड़ेगा, सारे एक साथ करने पड़ेंगे, मतलब अगर 7 का स्टार्ट किया तो 7 के पार्ट्स एक साथ करने पड़ेंगे आपको। तो 7 के सारे पार्ट्स एक साथ करने पड़ेंगे। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, पहले कर लिया मान लो आपने 7 का B, फिर कर लिया A, फिर C, या फिर D कर दिया, फिर C कर दिया, ये चल जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन है उसके पार्ट्स को ऊपर नीचे करते हो तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप क्या करते हो, पहले एक क्वेश्चन का पार्ट करते हो फिर दूसरे क्वेश्चन का पार्ट करते हो, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा पॉलिसी है इंस्टीट्यूट की। हाँ एग्जामिनर अगर मान लो अच्छा आदमी है वो आपको दे दे मार्क्स तो वो बात अलग है, लेकिन वो बोलती है इंस्टीट्यूट कि आप ऐसे केस में बाकी क्वेश्चंस के मार्क्स काट दो, तो आप ऐसे कर सकते हो, BADC कर लिया आपने, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे कर दिया ना आपने पार्ट्स में, तो कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और है कि क्वेश्चन एक ही पे से करे अलग पे से करे, देखो सबसे पहले तो इसको दिखाना कैसे, क्वेश्चन जो भी आप करो, जैसे मान लो आपने 7 का B किया, इस तरह से आपको दिखाना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन 7 का B इतना दिखाना है आपको, कहाँ दिखाना है, बीच में सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिख के दिखाना है ऊपर 7 का B, और यह 7 का B कर लिया। अब 7 का B मान लो आपका आधे पेज में खत्म हो गया, आपको अगला क्वेश्चन करना है 7 का A करना है, अब कुछ लोग क्या करते हैं 2 लाइन छोड़ के 7 का A स्टार्ट कर दिया, ये गलत तरीका होता है, वैसे गलत तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका तो क्या है, पूरी लाइन पड़ी हुई है सारी छोड़ो आप, तो अगले पेज से नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट पेज से 7 का A करो, ऊपर ऊपर क्या दिखाओ 7 का A दिखाओ, 7 का A कर लिया आपने, थोड़ी लाइन लिखी फिर खाली जगह पड़ी हुई है पूरी, 2 लाइन का ही आंसर था मान लो, आप क्या करो अगले पेज से 7 का C कर दो। हाँ मान लो अब क्या हुआ, कोई
कोई ऐसा क्वेश्चन है सेवन का ए के बाद कि सेवन के ए में मान लो एक ही लाइन भरी है आपकी, अब पूरा पेज खाली है आपका, पूरा पेज खाली है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा इतना पेज खाली छोड़ने का, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-6 लाइन छोड़ दो, 5-6 लाइन छोड़ दी और यहाँ से सेवन का सी स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये कर सकते हो। लेकिन अगर आधा पेज भर गया ना, आधा पेज, तो अगले पेज से ही करो, आधा पेज भर जाए तो अगले पेज से करो। हाँ, अगर आपके पास काफ़ी हरा खाली पेज है तो आप एक दो लाइन मत छोड़ना, लेकिन एक दो लाइन गलत से मत छोड़ना, कम से कम 5-6 लाइन का गैप देना, 5-6 लाइन का गैप देना कम से कम, बड़ा गैप दिखना चाहिए। अब एक बात और, ये आपका सेवन का सी भी खत्म हो गया, मान लो दो लाइन में, दो लाइन में खत्म हो गया, अगले पेज पे स्टार्ट किया था आपने सेवन का सी नए पेज पे, और पूरा पेज खाली दिख रहा है आपको। अब आपका मन कर रहा है सिक्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करना, मेरे को सिक्स का ये आपने यहाँ से 4-5 लाइन के गैप से स्टार्ट कर दिया, मत कर देना, इंस्टीट्यूट साफ मना करता है, ये साफ मना करता है इंस्टीट्यूट। ये आपको क्या करना है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना,